ओम विश्वपाल अशोकदासन तिरंगी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं पूज्यपाल श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं उपस्थित माता बहनों भाइयों सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है हम लोग यहाँ पर रामनगर में आकर महाराज के कथामृत से बड़ी सुंदर सुंदर भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करते करते आज हम छठवें दिवस पर पहुँच रहे हैं। महाराज इतनी मधुर मधुर सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। कल हमने कृष्ण के जन्म के बारे में कारण क्या था, किस कारण से अजन्मा भगवान ने भी जन्म लिया ये कल हमने श्रवण किया और राधा रानी का भी जन्म ले लिया। अब आगे की कथा चल रही है। जब कन्हैया 3 महीने को हो गए तब कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम था सत्तासुर उसका वध किया। जब 1 साल के हुए तब उन्होंने कर्णावर्त का वध किया। भगवान ने किसी को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, खेल खेल में मार दिया। उतना ही मारने के लिए उतना उसको स्तनपान कराना चाहती थी। जब भगवान ने स्तनपान कराए और मर गए तो कर्णावर्त का आंधी तूफान के रूप में आया और भगवान को उड़ा के ले जा रहा था। भगवान ने अपने बचाव के लिए छोटा बच्चा होता है कि अपने बचाव के लिए पकड़ लेता है, ऐसे भगवान गला पकड़ लिया तो मर गया। और जो सत्तासुर था वो चकड़ी में बैठ गया, भगवान की मतलब चकड़ी में प्रवेश कर दिया। भगवान रोड़े तो हाथ पर चला रहे थे, जैसे पैरों के छकड़े पर लगा छकड़ा पकड़ लिया मर गया। भगवान कह रहे वो मेरे खेल के लोग मर गए तो नहीं जाते खेल के लोग। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए हैं, अभी घुटमन चल रहे हैं और थोड़े थोड़े पकड़ पकड़ थोड़े थोड़े चल लेते हैं। तो एक फल बेचने वाली थी वो मथुरा में रहती थी। जब उसने सुना कृष्ण के बारे में, अभी देखा नहीं है केवल सुना था, जब कृष्ण के बारे में सुना कि कितने इतने सुंदर हैं और गोकुल में रहते हैं तो उसके मन में भी लालसा जागृत हो गई कि मैं भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाऊँ। तो बोले मैं कैसे जाऊँ, फल बेचने वाले थे उस टोपी में फलों को रख लिया और गोकुल की गलियों में आवाज लगाने लगी, केले ले लो, आम ले लो, चीकू ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल। भगवान की कान में आवाज तो पड़ी लेकिन भगवान खाए नहीं। एक दिन हो गया उसने भी ये हट लगा ली कि जब तक मैं गोपाल के दर्शन नहीं करूंगी जब मैं लौट के नहीं जाऊंगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दूसरे दिन भी जब कह रही है फल ले लो, फल फल आम ले लो, चीकू ले लो, अमरूद ले लो, कभी भगवान नहीं आया। तब तीसरे दिन वो इतनी तंग में हो गई अभी वो आम ले लो, चीकू ले लो, केला ले लो नहीं बोल रही है, वो क्या बोल रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, मोहन ले लो, मधुसूदन ले लो। भगवान बोले अब तक तो ये फलों पर बेच रही है, अब तो ये मुझे ही बेचने के लिए आ गई। तब भगवान को अब भगवान को नहीं रहा गया, भगवान बोले अब तो मुझे इसको दर्शन देने ही है। तब भगवान ने क्या कहा सोचा मन में कि मैं इसको पास में जाऊंगा फल लेने के लिए, अच्छा मैं फल लेने के लिए जाऊंगा तो बदले में मुझे पैसा मांगेगी, मेरे पास पैसा है नहीं, तो पैसा नहीं है तो फल कैसे देगी। तो पहले जो होता था पहले वो गेहूँ और चने वगैरह से क्या कहते दे देते थे, वो बदले में सामान ले लेते थे। तो एक कोने में गेहूँ पड़े हुए थे तो भगवान ने सोचा चलो मैं इसको ले जाऊँ। तो यहाँ के कितने छोटे छोटे हाथ हैं, उन्होंने हाथ में ऐसे गेहूँ को उठा के ऐसे कर रखा था। अब नंग धड़ंगे बस कपड़ा नहीं पहनी हुई है, अरे हमारा पहले मैया सुंदर सजा रखा है छोटी बना के मोटों पर लगा दिया होंगे तो सुंदर तो है ही है। अब घूम घूम करके जा चलने लगे, अभी अच्छे से नहीं चल रहे, घूम घूम करके चल रहे हैं। जब घूम घूम चल रहे तो उनके हाथ में थे बच्चे का हाथ है ना ऐसा कर रखा है तो सारे निकल इस जगह पे 1-2 दाने लगे जाऊँ। और पैरों को जब पायल बज रही है तो बोले पायल बज रही है तो मैया को पता लग जाएगा और मैया गोपियों को पता लग जाए तो पैर ऊपर
ऊपर चले बजेगी नहीं, झमझम बजेगी ऊपर बजेगी नहीं, तो उन्होंने ऊपर फायर को जला लिया। और जा रहे हैं धीरे धीरे, देखा इतने चारों तरफ कोई देख तो नहीं ना मेरे को, ये तो गोपियाँ मजाक बनाएंगी, चारों तरफ कोई नहीं देखा। तो धीरे 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 गए, वो दरवाजे पर बैठी थी, तन्य होकर बैठी थी, गोविंद ले लो गोपाल ले लो। तो उसने कहा ए फल वाली मुझे फल दे। बोलने लगी तो एकदम उसने इतनी मीठी आवाज भगवान की, इतनी मधुर आवाज भगवान की, वो सुनकर पहले देखने लगी एकदम, कोई भूख को देखते निहार हो गई, तो देखती की देखती रह गई। तो वो देखती की देखती रह गई, तो कन्हैया बोल रही अरे फल वाली जल्दी मेरे को फल दे। तो उसने क्या क्या था ठीक है मैं फल तो दे दूंगी, तुम मेरे को एक बार मैया बोल दे। मैया बोल रही उसने, ये तो नीची जाती की है, हमें मैया बोल के सारी गोपियाँ मेरे मजाक बनाती। तो वो कन्हैया चारों तरफ देखने लगे, कोई देखो नहीं ना, तो नहीं देखा तो मैया फल दे। तो बोले अच्छा बेटा तू एक बार मेरी गोदी में बैठ जा। वो कहते एक बार मेरी गोदी में बैठ जा। तो फिर देखने लगे कोई देख तो नहीं रहा रक्षक, अब हालांकि सारी गोपियाँ देख रही हैं उनको, सारी वो छुप छुप के देख रही हैं। और देखा कोई नहीं देख रहा, घर से एक सेकंड के लिए गोदी में बैठे और भैया फल दे। तो हाथ में जो गेहूँ थे, गेहूँ के दाने थे टोकरी में डाल दिए, और जितने फल थे उसमें इतने छोटे से हाथ में वो जितनी डलिया में फल थे सारे के सारे उनके हाथ में डाले। और वो तो उनके रूप को देखकर वो ही भूल गया, वो उसको सुदबुद भूल गई, जब गोदी में भगवान बैठी तो सुदबुद भूल गई, और सुदबुद भूल गई तो बस बैठी नहीं बैठी, भगवान तो अंदर चले गए, वो बैठी नहीं बैठी रह गई। जो उनके सेवक थे नंद बाबा के सेवक थे, बोले ये क्या कर रही है यहाँ पर, चल उठ जा। वो जाने लगी, जब जाने लगी तो भगवान का स्मरण करते, भगवान के छवि को अपने आंखों में बसाते जा रही, तब जाते जाते जितनी मेरी टोकरी भारी कैसे हो गई, मैंने सारे फल दे दिए थे फल तो भी रहा नहीं, तो मेरी टोकरी भारी कैसे हो गई। तब देखा उतार के उसमें तो सोने चांदी हीरे मोरे माड़ी सब पूरा भरा हुआ है। तो वो सोचने लगी इसका मैं क्या करूँ, जब मेरे को असली धन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुझे हो गया तो मैं इस धन का करूँगी क्या। उस धन को लेकर उन्होंने सारे जमुना जी में फैला, मैं भी सारे धन को, और बस वो भगवान का नाम लेती लेती धन होती गई। वो कहाँ चली गई किसी को नहीं पता, कहाँ गई वो भगवत धाम में, भगवान उसको अपने धाम में स्थापित किया। तो भगवान का मुख इतना सुंदर है और उनके मुख का दर्शन करके हर एक कोई मोहित हो जाता है। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, अब थोड़े से बड़े हुए तो भगवान सोचने लगे अब मैं जिस काम के लिए आया वो तो मुझे काम करना है। बोले क्या काम करिए, मुझे चोरी करनी है, माखन चोरी करनी है। तो बोले माखन चोरी मैं करूँगा, पहले मैं प्रैक्टिस करूँगा, घर में भाई ऐसा ना मैं पहली बार पकड़ा जाऊँ चोरी करती हूँ, पहले प्रैक्टिस करता हूँ। तो भगवान प्रैक्टिस करने के लिए अपने जिस घर में मैया बसोदा माखन रखती थी उस घर में गए, और उस घर में जाकर देखा बहुत सारी मटकियों में माखन रखा, माखन रखा। कन्हैया धीरे धीरे दबे पाँव से गए, जब दबे पाँव से गए तो देखे कोई देख नहीं गया, उन्होंने माखन एक मटकी में से माखन निकाला, और माखन लेना और वहाँ पर ब्रज में क्या है गोकुल में 84 खम्भे हैं, 84 खम्भे हैं, और वो खम्भे कैसे हैं, वो मरीज खम्भे मड़ियों से जड़े हुए, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, जैसे शीशा में देखते हैं ना ऐसे उसमें दिखता है। जब कन्हैया उस मक्खन को लेके मुँह में डालने लगे तो अपने ही प्रतिबिंब को उसमें देख रहे हैं, जब देख रहे हैं कन्हैया तो छोटे से हैं, जब देख रहे तो वो समझ रहे हैं कि लगता है इसने मुझे देख लिया, और जब अपने को नहीं समझ रहे कि मेरे को इसने मुझे देख लिया, बड़ी बालक है बहुत सुंदर इससे दोस्ती करनी चाहिए, यदि मैं दोस्ती कर लूँगा तो ये मेरी मैया से शिकायत नहीं करेगा, भैया से शिकायत नहीं करे, इसको दोस्ती करनी चाहिए। तो बोले दोस्ती कैसे की जाएगी, दोस्ती ऐसे की जाएगी कि जब बच्चा छोटा बच्चा होता है ना उसके पास में ट्रॉफी होती है बिस्किट होती है तो क्या करते हैं उसको देखो उसे दोस्ती करते हैं, ऐसे उनके पास में क्या था मक्खन था उनके पास, तो उनके जब मक्खन था बोले तू मक्खन खा ले मेरे से दोस्ती कर ले मक्खन खा ले, अब शीशे में जैसे लगे वैसे दिखेगा वो भी ऐसे कर मक्खन खा ले। बोले लगता है ये भी मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है, ये भी मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है। अब जैसे वो बोल रहे हैं शीशा में जैसे बड़े रकम जैसे ही वो बोल रहे हैं, तब मैया कहने लगी, अंदर मैया थी, मैया कहने लगी कि लाला कौन से बात कर रहे हो, कोई तो है ना घर में, लाला अकेलो है अकेलो कौन से बकरा हो जी लाला, तो जाकर देखूँ तो सही।
तब मैया ने जाके देखा, जाके देखा तो लाला अकेला है और वो किला से खंभा था, खंभे में देख के बात कर रहा, अपनी ही छवि से देखकर वो बात कर रहा है। अब मैया जब जैसे ही कुछ कन्हैया ना मैया को देखा तो मैया को देख के बड़े लज्जित हो गए कन्हैया और कहने लगे, मैया मैया हमारे घर में चोर घुस गया है। देख भाई मैया बोली, कहाँ है चोर? मैया देख इस खंभे में घुस गया, इस खंभे में चोर है। तो मैया बोली, मेरे लाला कितना बोल रहा है, इतना बोल रहा मेरा लाला अपने ही छवि को देख रहा है, अपनी छवि को देख के कह रहा मैया चोर घुस गया है। तब मैया ने उनको आंचल में दे दिया और अपने स्तर पान बढ़ाने लगी। कन्हैया करे पहली बार तो मैंने छोड़ ना करी और पहली बार में पकड़ा भी गया, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते दोबारा करेंगे। अब क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के सखा लोग, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के साथ में खेलने के लिए लगे। कृष्ण ने कहा, भैया हम एक काम करेंगे। उन्होंने अपनी जो मंडली थी, बच्चों की मंडली थी, उस मंडली का नाम दिया बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली। बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली अपनी मंडली का नाम रखा। जब मंडली का नाम रखा तो भैया चोरी करनी अच्छी बात नहीं है, चोरी नहीं करनी चाहिए। बोले भैया हम कोई पैसे की सोने चांदी की चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मक्खन की चोरी कर रहे हैं, पैसे कर नहीं रहे। कन्हैया बोले कि देख हम बच्चों हम चोरी करते हैं। तब अब निकल गए चोरी करने के लिए। जैसे ही घर में से निकले, अभी क्या है, एक गोपी के घर में गए। तो एक गोपी के घर में गए तो पकड़े गए। जैसे ही मक्खन ने हाथ डाला, जाके मक्खन ने हाथ डाला, बोले अरे कन्हैया तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बोले मैया मैं कुछ ना कर रहा हूँ, क्या करो तुम यहाँ पे मटकी में कहीं हाथ डाल लो है? मैया मेरा बछड़ा को हुआ है, मेरा बछड़ा को हुआ, तो तेरा बछड़ा कैसे मटकी में आके बैठ गए हो? समझ में आ रही ब्रजभाषा? हम जो ब्रजभाषा बोल रहे हैं समझ में आ रही ब्रजभाषा? तो तेरा बछड़ा तो मटकी में आके बैठ गए हो, मैया हो सके घुस गए हो। तो बोले देख ले, और ऐसे क्या एक खिलौने का बछड़ा था, मार्बल का खिलौने का, निकाली, देख मैया मेरे बछड़ा मिल गया, बछड़ा मिल गया, बछड़ा मिल गया। ये बोले देख अच्छा लाला ठीक है। अब धीरे धीरे करके प्रतिदिन चोरी कर रहे हैं। एक दिन जब चोरी करने के लिए गए तो फिर पकड़े गए। जब पकड़े गए तो बोले कि कन्हैया तूने चोरी की? ना मैंने चोरी ना की। तो बोले देख ये मटकी कैसे फूट गई? मेरे को कहा तुम्हारी मटकी कैसे फूट गई? अब तेरे मुँह पर माखन कैसे लगा होगा? तेरे मुँह पर माखन लगो जी कहाँ से आ गया? बोले मैया देख ये मटकी पे मटकी फूटी और एक चीटी मेरे चल रही थी चेहरा पे, मैं ऐसे करके पोस लगा मेरे मुँह खाने लग गया, मेरे मुँह पर माखन लग गया। तो बोले बेटा तू तो बहुत चालाक है। अब रोज प्रतिदिन क्या करती थी गोपीरा, कन्हैया की शिकायत करने के लिए जसोदा मैया के पास में जाती, जसोदा मैया से कहती लाल देख मैया तेरे लाला प्रतिदिन हमारे घर चोरी करने के लिए आए। तब मैया कहने लगी देख गोपी मेरे लाला को चोरी करने के लिए आए ना, एक काम कर दो का, और मेरे लाला को ना अंधेरे से बहुत डर लगे, अंधेरे से बहुत डर लगे, तू का करी लाइट बंद कर दे, जब कमरा में तो माखन रखो रहा अभी लाइट बंद कर दे। बोले भैया हमने वो भी करके देख लियो, वो भी करके देख लियो। तो बोले कहा तो लाइट कहाँ से गुजारा, प्रकाश कहाँ से आ गया? भैया तूने तो अपने लाला को इतने सुंदर सुंदर तो आभूषण पहना रखे हैं, उन आभूषण में छटा निकले और तेरे कन्हैया के शरीर से जो छटा निकले तो वहां से क्या वो कमरा प्रकाशमान हो जाए, तो वहां से वो देख ले। अच्छा अच्छा एक काम करता हूँ, ऐसे करी तू बता मेरो लाला है छोटो सो, तू क्या करियो नीचे मटकी मत रखी हो, मटकी ऊपर छीके बटा दी और जब छीके बटा मेरो लाला बाहर तक पहुंचे बना, मेरो लाला छोटा है मटकी ऊपर रह गई तो तेरे चोरी नहीं कर। भैया हमने वो भी करके देख लियो, वो भी करके देख लियो। बोले हाँ हमने वो भी करके देख लियो। तो तेरे घर में तो सीढ़ी लगी नहीं है? बोले ना भैया सीढ़ी ना लगी। तो मैया वो सीढ़ी खुद बना ले। बोले कैसे बना ले? तो वो ऐसे बना ले भैया, पहले मोटे दाऊ भैया को, फिर बाकी मधुमंगल को, फिर सीधा ऐसे करते करते सीढ़ी बना ले, सीढ़ी बना के और माखन चोरी करके खा ले। मैया बोली
मेरा लाला इतना छोटा है, कैसे मामा कर ले। एक दिन अब सारी गोपिंड मीटिंग बनाई, सारी गोपिंड मीटिंग बनाई कि अब कन्हैया को रंग के हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, अब एक प्रभावती गोपी बोली, हम ना गमना की पानी बनने जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं, हम छुप जाएंगे और जैसे ही कन्हैया कमरे में घुसेगा वैसे क्या करेंगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे और पकड़ ले जाएंगे, कन्हैया को पकड़ के ले जाएंगे। तब गोपियाँ छुप गई और भगवान का एक बंदा है जिसका नाम है दलिलो, वो सारी बातों को खबर लाला के इस विचक्षण पूछो क्या है। और एक बंदा है जिसका नाम है दलिलो, वो क्या करते सारी सूचना गोपियाँ क्या बात कर रही है आपस में, क्या मीटिंग कर रही है, सारी सूचना ला के कन्हैया को देते। कन्हैया बोले अच्छा गोपी ने ये मीटिंग बनाई है। तो कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया धीरे 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 कमरे में घुसे, घुसते जैसे ही घुसे उन्होंने कहते थोड़ा सा मक्खन ना धरती पे ले गए, चिकनी हो गई और माखन चोरी करके उन्हें तो पता किस जगह मैंने मक्खन लगा चिकनी के लिए। और वो आके जैसे ही लौटने लगे तो कन्हैया को पकड़ने के लिए अंदर घुसी गोपी, जैसे ही अंदर धाम घुसे क्योंकि मक्खन पहला लगा नीचे और धाम घुसे तो बोले कन्हैया और सब सक हंसने लगे, हंसने लगे। जब हंसने लगे तो गोपी जैसे तैसे उठी और उठ के कन्हैया का हाथ को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ के कहने लगी अब कहाँ जाए गोरे, तीनों बांह पकड़ ले अब कहाँ जाए गोरे, तीनों श्याम पकड़ ले, अरे मैंने तीनों श्याम पकड़ ले, अरे मैंने तीनों श्याम लाला मेरी गोदी में सो रहे, मैं जाकर सुला रही हूँ। ये गोपी कह रहे तेरे कन्हैया को मैं
क्या पढ़ा कह लेता है। कन्हैया कह रहे देख भैया ठीक हो के सब समय झूठ बोले, सब समय झूठ बोल, मैं तेरी गोदी में सो रहा हूँ ना, रोज चोरी करने की शिकायत तेरे पास में लेके आ रही। तब भैया बोले कहा कह रही है बोलता हूँ सही, देख भैया तेरे लाला को मैं रंगान पकड़ के लेके आई। मैया कहने लगी, यशोदा मैया कहने लगी, अरे गोपी जरा गुब्बर उठा कर देख तो सही, तो तेरो लाला ना मेरो लाला है, कौन को लाला है? जब देखे तो खुद को लाला है, जब देखे अरे तू कहाँ से आ गए हो? अब कन्हैया आंख मरते मरते आए और गोपी के मैया का मुंह उस तरफ है, कन्हैया पीछे हैं, तो कन्हैया पीछे है ना, तो बड़े मुस्कुराने की देखिए खास आंख मैया देखती है, मले लग जा रहे हैं और गोपी को चढ़ा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे गोपी सामने है यशोदा मैया का मुंह उस तरफ है, तो कन्हैया पीछे ऐसे ऐसे करके चढ़ा रहे हैं। अब बड़ी लज्जित होगी गोपी, जब लज्जित होगी गोपी तो जाने लगी अपने घर की तरफ, जब घर की तरफ जाने लगी तो कन्हैया आके खड़े हो गए, कैसी रही कैसी रही? तो बोले देख मैं तेरे से मना करो ना कि तू मेरे को मत ले गया, मैं तेरे कसम खा रहा था, तेरे पैर पड़ रहा था, तू नहीं मानी, अभी तो देख तेरे बेटा को चोर बनाए हुए, एक दिन तेरे पति को भी चोर बना दूंगा मैं। बोले ना कन्हैया तू कभी ऐसा मत कर, जब मत किया तू माँ का खाई। जब यशोदा मैया ने देखी कि प्रतिदिन गोपी शिकायत कर रही है, अरे शिकायत करने की आती थी गोपी नहीं आते तो हम दुखी हो जाते, अच्छा नहीं जाने के आए और आते हैं तो शिकायत करने के लिए आते हैं, कारण क्या है? तो कारण ये है कि एक बार तो जब लाला घर में आता तो लाला के दर्शन होते, अभी शिकायत करने के बहाने वो लाला के दर्शन करने के लिए जाते हैं घर में शिकायत करने के बहाने। फिर मैया बोली कि एक शायद तो हमारे घर का मक्खन हो गए ना, वो मक्खन शायद वो खट्टा होता होगा, खट्टा खट्टा होता होगा, जान लिए कन्हैया हमारे घर का मक्खन नहीं खा रहे, दूसरी गोपी का मक्खन खा रहे, तो मैं क्या करूँगी आज अपने हाथ से खुद मैं मक्खन निकालूंगी, सारी सेवक जो नौकरानी है सबको छुट्टी दे दूंगी। तो मैया ने अपने हाथ से पद्मगंधा नाम की गई गाय थी उसका दूध निकाला, अपने हाथ से दूध उबाला और उबालने के बाद अपने हाथ से ही जामन लगाया और जामन लगाया जामन लगाया सो प्रातःकाल भोर में उठ गई और भोर में उठकर कन्हैया तो सो रहे चार बजे की बात कन्हैया सो रहे हैं और कन्हैया सो रहे तो मैया उठ के आई, मैया ने आटी गई आटी लेके दही मक्खन कर दी, दही मक्खन करते 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 वो तन में हो गई, तन में होकर क्या बात है गोविंद दामो समुद्र के समान है, बाकी इस तरह का दूध खत्म नहीं होगा।
और कन्हैया के पेट में आखिर विश्व ब्रह्मांड है, ना उनका पेट भरेगा ना का दुख खत्म होगा, मैं तो सेवा में लग नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूँ अपने प्राणों को इस आग में जलाकर अपने प्राणों की आहुति दे दूँ। मैया जसोदा है ना, जसम दत्ताती, इसी में जस को प्रदान करके सबको सेवा में लगाने वाली है, सबकी रक्षा करने वाली है। यशोदा मैया कहने लगी, ना ना मैं तेरे को जलने नहीं दूंगी, मैं तेरे को जरूर सेवा में लगाऊंगी। यशोदा मैं भूल से कह के तेरे को जरूर सेवा में लगाऊंगी, तेरे को मैं जलने नहीं दूंगी। यशोदा मैया ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि यशोदा मैं जानती हैं मेरे जो दूध से ना लाला के लिए मिठाई नहीं बनेगी, मेरे दूध से लाला के लिए लस्सी नहीं बनेगी, मेरे दूध से लाला के लिए कोई खीर नहीं बनेगी, जो मिठाई बनेगी वो इसी दूध से बनेगी, और ये दूध यदि नष्ट हो जाएगा तो लाला का हाल होगा। तब मैया का कसके मैया को पकड़ रखा नहीं है, मैया ने उसको पकड़ा और उठाया गोदी में, तो बैठ जाते हैं तो कन्हैया तो बड़ा क्रोध आया। मैया कहने मैया को देखकर मैया बोले, मैया से देख सब समय मैया मेरे से देखे हैं, मैं मैया से पूछूं, मैया दे बता कर तू दूध प्यार हो ना खुद प्यार हो, मैया सब समय ये कह रहे खुद प्यार हो, लेकिन आज मैं कह दे रहा तो प्यार तो खुद बेटा आज मैं देख रहा हूँ आज फूल को प्यार नहीं है, आज दूध प्यार आज मैया कहते फूल के दूध को बचाने के लिए चली गई। कन्हैया बड़े क्रोध में आ गई और मैया को दूध को पानी से छींटा देकर बैठा दिया और उतार कर रख दिया। अब इधर कन्हैया ने क्या किया, जो मटकी थी ना जिसमें मक्खन निकाल रही है वो दही एकदम पतला हो गया है। कन्हैया ने क्या किया, एक पास में सिलोड़ा होता है ना, यहाँ पे सिलोड़ चट्टी खींचते हैं, वो लोड़ा लिया, लोड़ा लेके नीचे से फोड़ी, नीचे से मटकी फोड़ी, ऊपर से फोड़ेंगे थोड़ा सा निकलेगा, नीचे से फोड़ेंगे तो पूरा बह कर चला जाएगा। तब कन्हैया ने मटकी को फोड़ा, सारा के सारा दही बह कर निकल गया। कन्हैया बड़े खुश होकर देख रहे, बहुत अच्छे काम थे कन्हैया, बड़े खुश होकर देख रहे हैं। जब देख रहे हैं तो मैया को पता लग गई, तो मैया पे मारेगी सारी डंडी मेरी पीठ पे जाएंगे, नीचे ले जाएंगे सारी पीठ पे पड़ेंगे। तब कन्हैया बड़े डर के भागने लगे, अब भागने लगे तो उस दही के ऊपर पैर पे भागे, जब चोर चोरी करता है ना तो कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता है, कोई पकड़ा जाता है। कन्हैया का बच्चे उसी के ऊपर पैर पे गए और उस दूसरे कमरे में मटकी रख दी, ऊपर रखा था और ऊपर के ऊपर चढ़ गए, उधर मक्खन रखा था, सारे ग्वाल वाल आ गए, बंदर आ गए, कौवे आ गए। अरे बंदर कौवे क्यों आए बंदर कौवे, क्योंकि रामलीला में इन्होंने बहुत सहायता की थी, लेकिन उस समय उनकी सेवा नहीं कर पाए, कुछ खिला पिला नहीं पाए, तब वो कृष्ण लीला में उनको मक्खन खिला रहे हैं। अब जैसे मैया देखने लगी मटकी कैसे फूट गई, कन्हैया तो चढ़ गए चढ़ के मक्खन था और खुला, अभी खाया नहीं खिला रही है, खिला रहे हैं। जब मक्खन खिला रहे हैं तो पीछे से मैया देख आ रही है, ओ ये लाला भी कट होते सारी मट्टी कैसे नहीं फूटेगी, लाला नहीं फूट रही होगी क्योंकि पैर दिख रहे हैं छाप दिख रही है। तब मैया के हाथ में लाठी लेकर पीछे पीछे जा रही है, जब पीछे पीछे ऐसे जा रही है कि लाला को पता ना रहे, जैसे बिल्ली सूखे पत्तों पर चलती है ना, सूखे पत्तों पर बिल्ली चलती है तो पता नहीं लगता, आवाज बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसे ही मैया धीरे धीरे जा रही है, कन्हैया की पीठ है पीछे से, मैया आ रही कन्हैया की पीठ है। जैसे ही देखा मैया आ रही है तो बंदर और कौवा उड़ने लगे, भागने लगे, बंदर भागने लगे कौवे उड़ने लगे, तो ये क्यों हो रहा है, कन्हैया बोले अभी तो अच्छे से खाना खा रही है, अब ये उड़ क्यों रहे हैं, जा क्यों रहे हैं। उन्हें पीछे मुड़ के देखा कौन, और मैया आ गई, तो कन्हैया कूद गए, कूद कर भागने लगे, उस मतलब दरवाजे से एक दरवाजा एक सामने लगा दिया, उसके सामने दरवाजे भाग गए। जब भागने लग रहे अब जा रहे, मैया भी कह रही है लाला तेरे मेरे पेट से जरा बोलो लाला तो छोड़ूंगी ना यार। मैया कह रही है यदि मैंने इस पर बचपन से शासन नहीं किया तो आगे जाकर बिगड़ जाएगा, बच्चे पर बचपन से ही शासन करना चाहिए, जब आगे जाकर इस पर शासन नहीं कर सकते, आगे जाकर क्या होगा, जैसे सूखा पेड़ होता है, सूखा बंबू होता है बांस, उसको जब तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, हरा होता था उसको जैसे मुड़ जाए वैसे मुड़ जाता है, लेकिन जब सूख जाता है तो टूट जाता है। इसी प्रकार से मैया कह रही है यदि मैंने इसको शासन बचपन में नहीं किया तो आगे जाकर बिगड़ जाता है। तब मैया भागने लगी, भागे जा रही है, भागे जाता नहीं आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे भाग रही है।
अब मैया तेज गति से दौड़ेगी तभी कन्हैया को पकड़ पाएगी, बराबर की गति से धीमे की तो बात छोड़ दी, धीमी गति से पकड़ ही नहीं सकती, बराबर की गति से नहीं पकड़ेगी, जब तेज गति से जाकर पकड़ेगी ना तब वो पकड़ ले आएगी। तो मैया तेज गति से जाकर कन्हैया पकड़ कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ के लेके आई, कन्हैया रोने लग गई, कन्हैया रोने लगे तो देखे हाथ में लाठी है ना, और मैया से डर भी है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, जिनकी एक तिरछी एक कटाक्ष से जो सृष्टि से प्रलय हो जाती है, आज वो कन्हैया जाकर एक मैया की डर से भयभीत होकर रो रही है। ये है भगवान की बाल लीला, ये नर्वत लीला, ये माधुरमय लीला, रश्मि लीला है, तो जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है वो अपने भगवता को भूल गए कि मैं भगवान हूँ, ये छोटे बच्चे इतने से लीला कर रहे हैं। तब मैया ने देखा कि इसने मट्टी फोड़ी ना चोर, बोले मैया मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं है तो माँ कैसे चोरेंगे, भैया मैंने नहीं की, भैया हमारे वंश में कोई चोर ना है, हमारे बाबा के वंश में मतलब नंद बाबा के, भैया तुम्हारे वंश में चोर होगा, हमारे वंश में कोई चोर ना है, जसोदा मैया के पियर ने एक चोर ना को बोला था, तब यह कहे तुम्हारे वंश में चोर, हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, हमें अब तो ज्यादा तो बिगड़ गया है, देखो ना मैं शासन करूंगी। तो बोले भैया अब कैसे कन्हैया कैसे थे, रंग रंग के कटरे थे और माला पहने हुए थे और मोट मोट लगाए हुए थे, तो जब हो रहे हैं तो आंखों में काजल लगा था, गंगा जमुना दो बह रही है और बड़ी सुना से लेके रोदंग आंखों को मसलते हुए और गले में त्रिवली पड़ी है और श्वास ले रहे तो माला भी मिल रही है, इस प्रकार से कन्हैया रो रहे हैं। तो भैया बोली यदि मैंने जब मारो, यदि मैंने जब मारो तो बड़ा क्रोध या गुस्सा आ जाएगी, पास में ब्रह्मांड का जो जमुना जी है कहीं ऐसा ना हो कि जमुना जी ने मुक्के अपने प्राणों को त्याग दे, तो मैं क्या करूँ, इसको मारूंगी नहीं, मैं इसको बांध दूंगी, एक तो ये खल एक उखल, उखल पर चढ़ा ना, उखल पर चढ़े थे कन्हैया, तो भैया ने क्या किया कन्हैया को बांधना है। जब कन्हैया को बांधने के लिए भैया ने क्या, कन्हैया कमर कितनी सी है, केवल 8 इंच कितनी सी कमर कन्हैया की, और भैया ने क्या अपने जूड़े की रस्सी निकाली और जूड़े की रस्सी निकाल के बांधने लगी। जब भैया बांध रही है तो दो उंगल रस्सी पड़ रही है, कितनी पड़ रही है सुन रहे हो, कितनी कमर पड़ रही है, दो उंगल रस्सी कम पड़ रही है। फिर उसने घर की रस्सियों को लिया, घर की रस्सी भी जब एक से गांठ बांध दी फिर भी दो उंगल, फिर उन्हें और जो गाय को बांधने वाली रस्सी थी उनको भी लेके आए, फिर भी दो उंगल रस्सी पड़ रही है, इतनी गांठ बांधे जा रही लेकिन दो ही उंगल रस्सी क्यों कम पड़ रही है, एक नहीं पड़ रही, तीन नहीं पड़ रही, चार नहीं पड़ रही, तो दो ही उंगल क्यों कम पड़ रही है, तो इसका कारण क्या है, हमारे गोसाई बाबू बताते हैं इसका कारण क्या है, दो उंगल रस्सी कम करने का कारण क्या है, और कन्हैया कमर उतनी की जितनी, एक कमर बड़ी हो गई वो भी नहीं, कमर भी उतनी की जितनी है, और रस्सी बांधे जा रही है लेकिन वो कोई उंगल नहीं कम करते थे। तब भैया बड़ी सुबह से दोपहर हो गई बांधते, भैया बोली मेरे पेट से तो लाला ने जन्म दो है, मैं तो चल लाला को बांध नहीं सकूँ, बड़ी दुखी हो गई और सारी गोपियां भी आ गई, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर एक तमाशा देख रही है, अरे हे भगवान अब तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, सब लोग गोपियां हंस रही है मेरे को देख के, मैं अपने लाला को नहीं बांध पा रही, तब तो नारायण की शरण में गई, नारायण से कहने लगी क्या मैं अपने पेट से जो जन्म दिया मैंने बच्चे को तो मैं बांध नहीं सकूँ, तब भगवान ने अपनी सारी माया हटा दी और सारी माया हटा कर जो सिर की रस्सी थी उसी से बंध गई, उसी से ही बनती है। और वो दो उंगल रस्सी का मतलब क्या था, एक उंगल है साधक की चेष्टा और दूसरी है भगवान की कृपा। साधक की चेष्टा मतलब हम सोचते हैं कि हम अपने भजन के बलबूते से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है, और या हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि
अरे तो हमारे भगवान की कृपा भजन कर लेंगे, हमें जरूरत क्या है, हमें यहाँ कृपा नहीं है, तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं, हमारी कथा पर उनकी कृपा पर डिपेंड नहीं होना है, ना ही अपने बलबूते से भगवान को मार सकते हैं। ये दोनों ही बातें साथ में होती है, अपनी चेष्टा भी होगी और भगवान की कृपा भी होगी। जब हम चेष्टा नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा क्यों करेंगे। जसोदा मैया ने चेष्टा की थी, नहीं थी, रस्सी लेके आई सुबह से पैदा बांधने की चेष्टा की थी, नहीं की थी, बांधने की चेष्टा करी। जब वो चेष्टा करते करते जब देखा कि मैया चेष्टा कर रही है, तब भगवान की कृपा उनको बरसी और सारी दशा जैसे आ गई। तो हमारी चेष्टा के बल पे ही भगवान देखते हैं कि ये कितना भजन कर रहा है, कितना मेरे को पाने की इसकी लालसा है। जसोदा मैया ने भाग कर पकड़ा, कृष्ण को पकड़ना है तो कृष्ण से ज्यादा प्रेम हमको करना पड़े। भगवान तो प्रेम करते हैं लेकिन भगवान से ज्यादा प्रेम हमसे करें, हम उनको ज्यादा प्रेम करेंगे तभी हम उनको पकड़ पाएंगे। जैसे जसोदा मैया ने तेज गति से जाकर उनको पकड़ा ऐसे ही। और अभी ये सोच लें, देखो मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। एक बहुत ठंड का मौसम, ठंड और सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में हम रजाई होकर सोते घर में सोते हैं ना, दरवाजा बंद करके रजाई होकर सोते हैं ना सर्दी के मौसम में। तो सर्दी के मौसम में हम दरवाजा बंद कर रजाई होकर सो रहे हैं, सो हो गया हो गया तो हम रजाई के अंदर अंदर सो देख लेंगे, सो गया हो गया, उठ के जाएंगे तो पता लगेगा, तो उठ के नहीं जाएंगे तो पता नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या, तो उठ के जाना पड़ेगा। और एक व्यक्ति कुएं में नीचे पड़ा है, नीचे कुएं पड़ा है, कोई ऊपर ऊपर से रस्सी गिर रहा है, तो नीचे वाला व्यक्ति रस्सी को पकड़ेगा ये बाहर आएगा, ऐसे आ जाएगा, तो नीचे की रस्सी को ऊपर पकड़ेगा बाहर आएगा ना। अरे ऐसे ही जो दोनों ही काम एक साथ करोगे, जैसे एक बिल्ली का मन, बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या करती है, अपने मुँह से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। और बंदर अपने बच्चे का जन्म देता है तो क्या करता है, बंदर अपने बच्चे को पकड़ता नहीं है, बच्चा बंदर को पकड़ता है। अब एक जगह से दूसरे छलांग लगाता है, जब बच्चा गिर जाता है तो सांप भी नहीं लगाता। और ऐसे ही दोनों बातें हमको साथ में लेनी पड़ेगी, हमको एक तो साधन भी करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा, भजन करने के बाद भगवान की कृपा भी होगी, उनकी कृपा को हम पकड़े, कृपा को हमको पकड़ना पड़ेगा, दोनों ही काम को करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा और भगवान की कृपा का भी हमें उनसे प्रार्थना करें। भगवान हमारी हमारी कृपा भजन को देखकर भगवान का हृदय पिघल जाए, ऐसा भजन करें, ऐसा भजन करें कि भगवान का हृदय पिघल जाए। और फिर जैसे ध्रुव जी को देखते हैं, ध्रुव जी ने तपस्या की थी 5 साल के बच्चे, भगवान का हृदय पिघला कर निकला, इतनी कठोर तपस्या की थी। ऐसे ही हमको कठोर साधन भजन करेंगे तो भगवान का हृदय पिघलेगा और भगवान की कृपा करेंगे, कृपा करें अपने चरणों में हमको स्थान प्रदान करेंगे। इसलिए आज मैं कथा का ये ग्राम करें, महाराज की कथा हो रही है, बहुत टाइम ले लिया, महाराज की कथा होने के ना कह के मैं अपने भक्तों को ब्रह्म देती हूँ, बांछा कल पतल के पास पतिता नाम पान हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की, बल से मक्खन चोर भगवान की कथा सुनी। आप लोगों ने कभी मक्खन घर में बनाया हो कभी? कौन कौन घर में मक्खन बनाए, हाथ उठा तो। देखो ये लीला में ठाकुर जी बड़ी अच्छी शिक्षा दिया है। ठाकुर जी ये मक्खन क्यों चोरी करते थे? कभी ये मख मतलब होता है क्रोध, नाम मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं? बोले जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, ठाकुर जी इन्हीं की ही यही चीज को चोरी करते हैं। बोले भैया ये काम क्रोध लोभ किसका हृदय में नहीं है? बोले ये संतों का हृदय में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, बोले संत हृदय न बनी तसमाना, बोलो संत हृदय न बनी तसमाना, असंत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय कहा कभी पर कहा कभी पर
स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संतों का हृदय कैसे है, मक्खन जैसे है। लेकिन कहते मक्खन जैसे उदाहरण तो दिया है लेकिन ये पूरा नहीं है। बोले क्यों? बोले मक्खन कब पिघलती है? बोले जब गर्मी हो ना तब ये मक्खन पिघलती है। लेकिन संतों का हृदय कैसे पिघलती है? बोले पर दुख द्रव ही संत पुनीता। संतों का हृदय उससे भी कोमल है जब किसके दुख देख लेना संतों का हृदय पिघल जाती है। इसलिए संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए इनका नाम है गोपी। गोपी मतलब क्या है? बोले गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं ये ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं जाते थे। वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, क्या चोरी करेंगे? दुनिया तो उन्हीं की है तो वो चोरी क्या करेंगे? फिर किस लिए जाते थे? बोले ये ब्रज गोपियों के हृदय को चोरी करने के लिए। क्योंकि ये ब्रज गोपियां जब दधि मंथन करती थी ना, जब मक्खन बनाती थी क्या बोलती थी? बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया श्याम। आज मेरे अंगना आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी में बोली वाली गैयन की, कोरी कोरी मटकी में बोली वाली गैयन की, तेरे लिए दही करी राखी नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन की प्यासी गोजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया श्याम। इसलिए ये गोपियां कृष्ण को बड़े प्रेम से बुलाया करती थी। अगर कोई भक्त भगवान को बुलाए क्या भगवान फिर नहीं आएंगे? भगवान जरूर आएंगे। इसलिए ठाकुर जी मक्खन चोरी करने नहीं आते थे। ठाकुर जी मेरे तरफ में देखो, ठाकुर जी ब्रज गोपियों की हृदय को ठाकुर जी चोरी करने के लिए आते थे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की। हाँ देखो यहाँ पर एक रहस्य बात बताए, ठाकुर जी क्यों मक्खन चोरी करने के लिए गोपियों के घर में ठाकुर जी क्यों जाते थे, इसकी रहस्य को समझो। हरे कृष्णा, ए गिरिराज को सजाने वाले, एक व्यक्ति रह जाओ, सब नीचे उतर जाओ, केवल जो ये सजाएगा ना वहीं पर। हरे कृष्णा, वृंदा यू कैन गो डाउन। हरे कृष्णा। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की। देखो यहाँ पर एक रहस्य बताए, क्यों कृष्ण ये मक्खन चोरी करने जाते थे? आप लोगों ने घर में मक्खन बनाया होगा ना। देखो मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले दूध लाओ, दूध को सबसे पहले गर्म करो। बोले ये गर्म करना मतलब क्या, अच्छे तरह से समझो, मैं बाद में पूछूंगा, ध्यान से सुना। कहते पहले दूध को गर्म करते थे। दूध गर्म करना मतलब क्या है? बोले जब किसी साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति की जो तीव्रता जगे, हृदय में आग लगे, हमें ठाकुर कैसे मिलेंगे, हमें ठाकुर कैसे मिलेंगे, हृदय में जो ये आग लगती है ना, इसको कहती है दूध गर्म करना है। जब किसके हृदय में भगवत प्राप्ति की आग लगेगी फिर क्या होगा? कहते ना, बिनो गोरु बाबा निधि तारा ही न कोई, जो भी रिंचे संकर सम होई। अगर हम जीवन में सतगुरु चरण आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं, अगर हम ब्रह्मा शंकर जी के बराबर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन भगवत प्राप्त हमें
नहीं हो सकती है, भगवान मिलने वाले नहीं। देखो ध्यान देकर एक स्टोरी सुना। बोले एक समय कोई एक संत कहीं कथा कर रहे थे, कोई सेठ जी घर में बोल रहे थे, भैया भगवान के नाम को लो, भगवान की कीर्तन करो, जी भव सागर से पार हो जाएगी। उसी घर में एक पिंजरा में एक तोता भी रहता था। इतने में वो तोता चिल्ला पड़ा, बोले ए बाबा ये सब झूठ मूठ का बात क्यों कर रहे हो। बोले क्या झूठ मूठ, मत सही बताया, भगवान के नाम लिए बगैर जीव पार नहीं हो सके। बोले तुम मेरे को देख लो, घर में जो आता है ना, मैं सबका राम राम कृष्ण कृष्ण सबको मैं बोलता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे संसार से उधार हुआ ही, अभी भी मैं माया के संसार में पड़ा हुआ हूँ। अब तुम कहते हो भगवान के नाम से संसार से पार हो जाते हैं, मेरे को तू देख ले। इतने में वो तो कुछ उत्तर नहीं दे पाया, उसने कुछ उत्तर नहीं दे पाया। अभी वो संत घर में आए और अपना गुरु जी को बोले, गुरु जी मैंने जब वहां कथा कर रहा था, मैंने कहा भगवान का नाम को लो, ये भवसागर से पार हो जाओगे, लेकिन ये तोता मेरे को ऐसे प्रश्न किया, मेरे को चुप करवा दिया। कहते भैया मैं सबको राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, छोटा सा पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, भवसागर की बात तो बहुत दूर की बात है। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, चलो मैं कल तेरे साथ में चलूंगा, फिर तुम कथा बोलना। बोले ठीक है। गुरु जी साथ में आए और फिर शिष्य बैठ करके फिर बोले, जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। फिर वही तोता चिल्ला पड़ा, बोले बाबा क्यों ये सब झूठ मूठ का बात बोलते हो, भगवान के नाम लेने से पार हो जाते हैं। लेकिन वहां पर गुरु जी थे। बोले भैया तू झूठ किया, ये तो सही बात है। बोले आप मेरे को देखो, मैं सबका राम राम कृष्ण कृष्ण मैं बोलता हूँ, लेकिन ये छोटा सा पिंजरा से मेरी मुक्ति नहीं मिली, अब भवसागर तो बहुत बड़ी बात है। इतने में गुरु जी ने कहा देख बेटा, तू जो नाम कर रहे हो ना, तुमने किसी सदगुरु से तुमने हरि नाम नहीं लिया, इसलिए तुमको ये संसार से मुक्ति नहीं मिली। बोले ये बात। बोले हाँ। बोले गुरु जी फिर तो आप मेरे कान में मंत्र दे दो। फिर गुरु जी तोता की कान में एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार बोलो जोर से, आप लोग कोई कोई बोल नहीं रही, मैं देखता हूँ, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले देख बेटा एक काम करियो, बोले गुरुजी बताओ, बोले जब कथा का विश्राम होगी तुम एक नाटक रचना। बोले क्या करो, बोले मरने का के बहाना बनाना, फिर तुमको पिंजरा से निकालेंगे, निकाल करके अर्थी में जब ले जाएंगे ना, फिर फर कर घूर जाना। बोले वाह गुरु जी तो बहुत बढ़िया मंत्र बताए। अभी जब कथा विश्राम हुई, इतने में वो तोता ने शरीर छोड़ दिए। लोग बोले भैया ये तोता के जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि इसने कथा सुनते सुनते अपना प्राण त्याग दिया। बोले चलो इसकी अर्थी निकालेंगे और अर्थी निकाल करके ले जाएंगे। फिर उन्होंने तोता को बाहर निकाले और अर्थी में गले में सुंदर फूलों की माला दे करके राम नाम सत्य करते करते ले जा रहे थे, लेकिन ये तोता तो मरा नहीं, वो तो नाटक कर रहा है मरने का। जब ले जा रहे थे ना, इतने में तोता फर कर घुड़ गया। गुरु जी ने बोले क्यों तोता, गुरु जी से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोले हाँ गुरु जी सही बात बताए। इसलिए यहाँ पर कहते भैया जब तक हम किसी सदगुरु से भगवान के नाम नहीं लेंगे ना, ये नाम हमें भगवत संसार से पार रहेगा नहीं, संसार से पार नहीं करने से हाँ जगत का कुछ वस्तु मिल सकती है, लेकिन ठाकुर जी की चरण तुम्हें प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए भगवान राम भगवान है। आप बताओ भगवान राम का गुरु कौन थे? बताओ भगवान राम का गुरु कौन थे? उनकी शांति बनी मुनि जब उनने गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, और जब वो ब्रज में रहते थे वो सांडिल्य ऋषि इनकी कुल को रहते थे, इनकी गुरुजी थे सांडिल्य ऋषि। इसलिए यहाँ पर अभी जैसे दूध गर्म हो गया, दूध गर्म हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर उसमें जमन डालोगे। बोले ये जमन क्या है? बोले गुरु जी से जो हम मंत्र ग्रहण करते हैं ये हो गया जमन। अभी गुरु जी से तो मंत्र को ग्रहण कर लिया, फिर क्या करोगे? दही जम गया, फिर दही को मंथन करना पड़ेगा। कभी ये मंथन क्या है? बोले गुरु जी से तो हमने माला ली, हरिनाम ली, अगर माला को लटका कर रख लो क्या भगवान? अरे बोलो मिलेंगे ठाकुर जी? और मिलेंगे नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम को जप करना पड़ेगा। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए क्या है? भगवान के नाम को जप करो। भगवान कहते हैं उठते सोते हरे कृष्णा 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 हरे 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 डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो। इसलिए घर में जो कुछ भोजन बनता है, जब घर में भोजन बनाओ क्या समझ करके? भोजन किस लिए बना रहे हो? खुद खाने के लिए ना, ठाकुर जी के लिए? अरे बोलो। हाँ, घर में जब कोई कुछ भोजन बनता है भावना रखो ये ठाकुर जी भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, देखो माता है, ध्यान देकर सुनो, कम से कम एक दो चीज तो कथा से लेकर के जाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले भुंजते तु अघम पापा जे बचती आत्म कारणा। बोले हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपना लिए भोजन बनाता है, मेरे को भोग नहीं लगाता है, बोले भुंजते तु अघम, वो केवल पापी भोजन करता है। और मनुष्य संहिता में बताए जो व्यक्ति मेरे को चट कर लिया, खुद बना करके चट कर लिया, भोजन कर लिए, ये मनुष्य संहिता कहता है बोले स्वान भिष्टा समच अर्न। बोले वो जो अर्न है, वो जो दाल भात सब्जी वो क्या है? बोले स्वान ने कृष्ण को थोड़ी सी फल दिया, ठाकुर जी क्या दिया? जब उसने थोड़ी दूर गए देखा झूड़ी उनका टोकरी भरा पड़ा हुआ है, सोने चांदी हीरे जवाहरात से उनकी टोकरी भरा पड़ा हुआ। बोले क्यों? ठाकुर को दिया है। इसलिए सुदामा जी का नाम सुने हो? कौन कौन सुदामा जी का नाम सुने हो? आप लोग टीवी में देखे होंगे, पहले सुदामा दरिद्र था। बोले ये दरिद्र क्यों था? ध्यान देकर सुनो, ये दरिद्र क्यों था? आप देखे होंगे जब ये गुरुकुल में जा रहे थे, इनकी गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था। बोले सुदामा ये करके खाई हो, लेकिन सुदामा ने क्या किया? वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके ना, उसने छुपा छुपा करके ठाकुर जी से खाए, इसलिए उनको दरिद्रता भोगना पड़ा है कि नहीं? लेकिन धनी का बने जब फिर ठाकुर को दर्शन के लिए गए, केवल इसका मतलब क्या है? अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे तो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो, खूब घर में माल आए। अगर ठाकुर को नहीं देकर खाओगे ना, घर में दरिद्रता आए। इसलिए भगवान को भोग लगाओ, लेकिन भोग कब लगेगा? जब शुद्ध रूप में खाना बनेगा तभी तो भोग लगा सकते हो ना। अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे
पर ठाकुर को भोग लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। जैसे अभी नवरात्रि है, नवरात्रि है ना, प्याज लहसुन खा रहे हो? खा रहे हो प्याज लहसुन? क्यों नहीं खा रहे हो? माता जी को पसंद नहीं करते, नहीं खा रहे हो क्या? नौ दिन तक दुर्गा दुर्गा घर दुर्गा दुर्गा है। इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, जो चीज हनुमान जी राम लक्ष्मण सीता और भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, वो चीज हमें भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए पुराण में कथा आती है कि जो प्याज है ना, ये देखो ये कथा सुन लो, ध्यान लेकर सुनो। क्यों प्याज लहसुन ठाकुर को भोग नहीं लगता है? पहले पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, और जो गैया गो माता, हम कहते ना गो माता है, कोई गैया दो बार मंत्र पढ़ते थे ये बूढ़ी गैया फिर जवानी होकर के प्रकट हो जाती है। कोई गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ की अनुष्ठान की, गैया को बलिदान किया, सबको हाथ में मांस दे दिया आहुति डालने के लिए। हर अलग अलग व्यक्ति होते स्वभाव, किसने ये मांस को देख करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाए कैसे, बोले जब सब चले जाएंगे ना फिर मैं खाऊंगा। उन्होंने रात में सुनकर छुपा दिया। ऋषि ने मंत्र पढ़ी, मंत्र पढ़े तो जो जवानी जो बूढ़ी गैया थी वो जवानी होकर के अवन कुंड से प्रकट हुआ। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था, देखा वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ, वो ज्यादा भरा नहीं। वो ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाए कि जगह भरा क्यों नहीं, ध्यान लगा करके देखे किसने मांस खाने के लिए रात में छुपाया है। ऋषि ने अभिशाप दे दिया, उसको छुपाया वहां पर, जैसे मांस लाल लाल रंग के वहां पर प्याज की पौधा हो रही, और मांस जैसे लाल लाल रंग के वो प्याज भी लाल लाल रंग के बनेगा, और जैसे मांस सड़ जाने पर बनती कि नहीं आती कि नहीं आती है ना, प्याज को काटो उसकी बदबू भी फैल जाती है, प्याज की छोंक दो उसकी भी बदबू फैलती है, प्याज काटो आंखों से आंसू बहती हैं, और जो नवरात्रि आई है ये नौ दिन तक तो प्याज लहसुन कोई नहीं खाते, नहीं खाते है ना, माता जी को खुश के लिए ना, या मैया को नौ दिन के लिए खुश करो, उसको बाद में प्याज लहसुन खाकर नाराज कर दो। इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, ठाकुर जी को पसंद नहीं, वो चीज चाहिए, ठीक है ना। कोशिश कर इसको धीरे धीरे छोड़ देने के लिए, छोड़ करके शुद्ध रूप में ठाकुर जी को भोग लगाओ, भगवान को प्रसाद लगाओ और खूब आनंद लो। इसलिए कहते उसमें जो मंथन मतलब होता है, और एक तरफ में छाछ, बोले भैया मक्खन क्या है, बोले ये प्रेम, ये प्रेम है। जब हम भगवान के नाम लेके ठाकुर जी की भजन करके क्या होगा, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, पर उसी प्रेम को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी हमारी घर घर में आएंगे, और ठाकुर जी मक्खन को आरोपेंगे, ठाकुर जी मक्खन ग्रहण करेंगे। ये मक्खन चोरी की ये तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हरे भजन परिगो ये काना।
कहाँ रह गए हो सखी, कैसो हो, कहाँ रह गए हो, कौन को ले गए हो, वो तो बता, मैं देखूंगा। और ये ले गए मेरी भरी मटोकिया We'll be right back.
ब्राह्मणी निवास करते थे। जो ब्राह्मणी बड़ी पति पति की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, पति कहीं बाहर गए हुए थे, घर में श्री नारद ऋषि आए, तो उनको पत्नी ने नारद जी को बड़े सुंदर भोजन बना करके नारद जी को भोजन करवाया। गले में हमारी तुलसी कंठी नहीं, हमारी तिलक नहीं है, ठाकुर जी हमारे हाथ का वस्तु ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जो शरीर है, गोस्वामी जी कहते हैं खीति जल ताप गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये जो शरीर है ये अधम शरीर है, क्योंकि ये टाटी पेशाब खून पी का एक भांड है, इसलिए जैसे देखो ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगाओ जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते हैं, कहते छापान भोग छत्रीस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, जब तक तुलसी पता नहीं देते। नारद जी ने देखा उसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं है और उसकी ललाट में तिलक नहीं है, इसको नारद जी देख करके बोले मैं एक अवैष्णव के हाथ में मैंने भोजन कर लिया। नारद जी को उन्होंने जो कुछ भोजन कराया था उन्होंने उल्टी कर दी, नारद जी ने उल्टी कर दिया, बोले तुमने विष्णु दीक्षा में दीक्षित नहीं हो, गले में कंठी तिलक नहीं है, तुम्हारी हाथ का जो भोजन है वो पवित्र नहीं, इसलिए अपवित्र है। तो बोले बाबा एक काम करो, फिर मेरे को धर्म में देखना, तीन चीज देते हैं, गले में जरूर तुलसी की कंठी देंगे, ये दूसरे चीज ये तिलक आपको देंगे, और जो तीसरी चीज है भगवान की माला देंगे। यही तीन चीज गुरु जी हमें देते हैं और यही तीन चीज हमें पवित्र करता है। एक उदाहरण देकर के समझाए, जैसे हम विदेश जाना चाहते हैं
अब बताओ तो पास में क्या होनी चाहिए जो भीतर से जा सकते हो? कौन बोलेगा बोलो, क्या क्या होनी चाहिए? पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरे नंबर में वीजा होनी चाहिए, तीसरे नंबर में टिकट होनी चाहिए। देखो एक देश से दूसरे देश है, पास पास में जाने के लिए तुमको ये तीन तीन चीज की जरूरत है। उसी तरह अगर हम भगवान को पास में जाना चाहते हैं, हमारी पास में भी तीन चीज की जरूरत होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जब महाराज जब भूतों को कह रहे हैं, बोले देखो जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं उनको मेरे पास में मत लाना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता? तो उन्होंने उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक पतिव्रता नारी, जैसे एक सधवा स्त्री, हमें पता कैसे चलता है सधवा स्त्री हो? आप लोग ने सुंदर लगा है। जब साधारण जगत में पति की साधारण पति के लिए हमने इतने श्रृंगार भर दिया है, जो पति का जो पति परम पति, जो हमारी जन्म जन्मांतर के जो सही पति, ये पति तो अभी है कल नहीं है, क्योंकि एक दिन तो शरीर छोड़ना है, पर पति कहाँ गए? पति होता तो जब साधारण पति के लिए हम इतने कुछ धारण करते, जब कह रहे हैं जो भगवान को भक्ति करते हैं उनकी अंदर में भी तीन चीज। देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम, और जरूर ललाट में तिलक ऊर्ध्व पुंड धारण करेंगे, बोले कंठे त्रिकंठिका, गले में तुलसी की माला धारण करेंगे, बोले हरि नाम भगवान के नाम, ये तीन चीज। तब नारद जी उनको कृष्ण मंत्र में दीक्षा दिए, ललाट में तिलक दिए, गलन की दोनों बच्चे किसके हैं बोल दो, अपना गोद में रखे नहीं तो इनको लेकर पीछे चले जाए। इसलिए तब उन्होंने उनको विष्णु मंत्र में उनको दीक्षा दिया है, गले में कंठी तिलक, उनको माला प्रदान की। जब माला प्रदान की बोले गुरुदेव हमें ये बताओ अभी हमें क्या करना है, हमें क्या करनी है? इनका कोई पिता माता नहीं है बच्चों का, अपना बच्चों को पास में रखा करो। इसलिए उन्होंने बोले गुरुदेव क्या करनी चाहिए? बोले देखो जो दीक्षित नहीं है, जो अदीक्षित व्यक्ति है, उनके हाथ का वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, थोड़ी उनसे दूर रहा कर। जब पति बाहर से आए, अभी ये बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन जब पति दूर जब घर घर में आए, इन्होंने किया क्या, जो पानी उनकी चरण धो करके पानी पीती थी उनको दूर से खड़े किए, और दूर से उनको चाहे दीक्षा मंत्र दे करके गए हैं, और गुरु जी ने उपदेश दिए हैं जो अधिक सिद्ध व्यक्ति है थोड़ी से उसको दूर से रहना। इसलिए अब तो हम डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते, क्यों? आप अभी कृष्ण मंत्र में दीक्षित आप नहीं हो। बोले फिर मैं दीक्षा लू? बोले हाँ आपको लेनी चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं। ये शंकर जी पार्वती को खुद कहते हैं, देखो श्लोक, बोले गुरु दीक्षा बिना जे, पार्वती को कह रहे हैं, बोले गुरु दीक्षा बिना जे, बोले जो व्यक्ति गुरु जी की दीक्षा नहीं लेते हैं, पशु जो नीम अपना जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। ये शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं जो विष्णु दीक्षा में मंत्र ग्रहण नहीं किया। देखो क्या होता है, ध्यान देकर सुनो, ये पद्म पुराण की कथा है। इतने में गुरुजी बोले फिर तो दीक्षा मंत्र बोले हाँ लेनी चाहिए, से श्री नारद जी को स्मरण किया, बोले गुरुजी मेरे पति अभी दीक्षा लेना चाहते हैं, आप कृपा करके आओ। जब स्मरण किया ना, नारद जी छठ वहां पर प्रकट हो गए, बोले बाबारी ऐसे गुरु गुरु जी को स्मरण करते ही प्रकट हो गए, बड़ा आश्चर्य में पड़े गए। बोले भैया दम है इनकी भक्ति में, दम है, स्मरण करते ही कहीं से प्रकट हो गए? बोले देखो जाओ तुम स्नान करके आओ, फिर हम तुमको दीक्षा मंत्र देंगे। लेकिन जब स्नान करने के लिए गए, वहां भी और कुछ ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण ने पूछा भैया तुम थोड़ी देर पहले आया था, स्नान करके गया, फिर क्यों स्नान करने आए हो? बोले आज नारद जी आए हैं, हमें दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। देखना तरह तरह का लोग होते, बड़े प्रपंच लोग भी होते, खुद भी भजन नहीं करते, दूसरों को भी भजन करने नहीं देते हैं। बोले अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, अभी ये पितृपक्ष में क्या हरिनाम लोगे, अभी मत लिया करो। लेकिन नियम है शुभम शीघ्र,
जब गुरु जी मिले हरिनाम दीक्षा मतलब ले लेनी चाहिए, प्रपंच लोग देना बोले भी पितृपक्ष अभी क्या हरिनाम क्या गले में कंठी तिलक पहन, तुम रुक जा थोड़ी सी, अभी दीक्षा मतलब लेने की जरूरत नहीं। अभी उन लोगों ने दिमाग घुमा दिया, दिमाग घुमा दिया तो उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया ही नहीं है। जब नहीं लिए कुछ दिन बाद में दोनों का शरीर छूटा, जब दोनों की उसी देश में हाथी बनकर जन्म लिया, क्योंकि गुरु दीक्षा नहीं लिया है, ये शरीर अपवित्र है, टाटी पेशाब का थली है। हरे कृष्ण माता जी बात मत करो, हरे कृष्ण माता जी को बोलो तो ज्यादा बोलती है, क्या क्या बात कर रहे हो, कथा कथा सुनना है ना, बात सुनकर में आई। इतने में उन्होंने उसने कौन सा जीवन में प्राप्त किया, उसने हाथी जीवन में जन्म ग्रहण किया राज दरबार में। लेकिन जब धीरे 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 वो बेटी बड़ी हुई, दीक्षा मंत्र ली थी, अभी पूर्व जन्म की सारे बात उसका पता है, मैंने नारद से दीक्षा मंत्र ली थी, फिर विदर्भ देश का रानी राजकुमारी बन करके अभी भी गले में कंठी तुलसी माला पहन करके भजन करती है। लेकिन राज दरबार में नियम है, क्या नियम है, वहां पर स्वयंवर सभा होता है, स्वयंवर सभा में बड़े बड़े राजा लोग आते हैं, लड़की अपना इच्छा अनुरूप उन्हें वर चुनती है। अभी बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, लेकिन वहां पर उसका पति जो हाथी बन करके आए थे, लेकिन वो सफेद हाथी बन करके आए थे, अभी सफेद हाथी बन करके आए थे, सामने वो हाथी खड़ी है। इतने में पूर्व जन्म में जो गुरु मंत्र दीक्षा मंत्र ली थी, जो भक्ति है ना कभी घटती नहीं है, इसलिए वीरा कहती है ना, दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो हम जो भगवान की भजन कर रहे हैं ये घट करके नहीं, हर जीवन में भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है। अभी इसको पूर्व जन्म की बात याद आ गया, कहते पूर्व जन्म में मेरे जो पति थे, चूंकि नारद से उन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं लिए, इसलिए उन्होंने हाथी जन्म लेकर गए, और जो सामने हाथी खड़ा ही वरमाला नहीं डाली, वो वरमाला लेकर के सीधा हाथी के गले में डाल दिया, क्योंकि पूर्व जन्म की बात याद है, मेरे पति है। गले में जब डाल दिए, वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, और राजकुमारी देखने में बड़ी सुंदर थी, क्यों, जो भगवान की भक्ति करते है ना, भक्ति की बड़ी महत्व है, वो परमा सुंदर विश्व सुंदर बनकर वो जन्म की राजकुमारी। लेकिन जब हाथी के गला में बरमाला डाल दी, जितने राजा लोग बड़े जोर जोर से थाल लगाकर हंसे, देखो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर राजा रहते रहते उसने एक हाथी को पत्नी रूप में वर्ण की। इतने में राजा ने पूछा, भैया तुमने ये हाथी की गला में क्यों माला दी, तब उन्होंने सारी बात बताई, बोले पिताजी पूर्व जन्म में ये मेरे पति थे, लेकिन मैंने नारद से दीक्षा मंत्र लेने का वजह से मेरी ये इंसान और राजा घर में जन्म हुआ और भक्ति मेरी रही, लेकिन मेरे पति विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लेने का वजह से ये हाथी योनि प्राप्त किया है, अभी इनकी कल्याण करना। फिर मैंने नारद जी को स्मरण किया, बोले गुरुदेव उद्धार करो, मेरे पति की कल्याण करो। जब उन्होंने फिर नारद जी को स्मरण किया ना, झट नारद जी वहां पर झट वहीं पर प्रकट हो गए कि बच्चा किसका है, बच्चा है। इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने किया कि बोले गुरु जी इसको पर मैं कृपा ही है ना, वो हाथी एकदम इंसान बन गया, हाथी इंसान बनने पर फिर नारद जी उनको कानों में फिर कृष्ण मंत्र का दीक्षा मंत्र प्रदान की, फिर उन्होंने भजन करते करते उन्होंने पर भगवत प्राप्ति किया। इसलिए नियम है, देखो ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में हमें ये जीवन मिला है, हैं? और इसी जीवन में ही हम हरि की भक्ति करते हुए संसार से बाहर हो सकते हैं। इसलिए भगवान राम, अब रामायण पढ़े होंगे, पूरा अयोध्या वासियों को बैठा करके भगवान राम खुद कहते हैं, देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा।
है अयोध्या शरीर है बड़े भाग मान सतल बाबा, ये शरीर सहज में नहीं मिलता है। बोले सुर दुर्लभ, कभी ये मानव शरीर पाना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ। बोले कहां पर? विदेश में, लंदन में ना, अमेरिका में। बोले नहीं भाग जोर से ताली बजा तुम लोगों के लिए। आज हम लोग गए थे सीता वैली, हम लोग गए थे बड़े सुंदर श्री हैं वाल्मीकि का बड़े सुंदर आश्रम है, बड़ा प्यारा आश्रम है, कितना सुंदर पानी बह रही, झरना बह रही है, हैं जहाँ पर माता सीता लव कुश को जहाँ पर जन्म दिया, और इसको पास में इतने पवित्र स्थान में आप लोग जन्म हुए हो, समझो करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य है। मैं दुनिया में सब जगह में जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनुभूति हुई। जानते हो यहाँ के लोग जितने सरल है ना, मेरी दुनिया में इतने सरल लोग नहीं मिले, इतने सरल लोग कहीं नहीं था दुनिया में। यहाँ के व्यक्ति बड़े भोले भाले व्यक्ति है, और भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? भगवान राम कहते हैं भाई काल कपट व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, मैं तो सरल सीधा व्यक्ति को पसंद करता हूँ। यहाँ पर देखा सब माताएं भाई लोग स्वाभाविक रूप में, क्योंकि देवभूमि है ना, भगवान की लीला स्थल में जन्म हुए हो, इनकी स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी के प्रति भगवान की प्रति मैंने देखा स्वभाव पर इनके संग मिला। हम लोग मिले तो ये पहाड़ी के लोग स्वाभाविक रूप में देवभूमि में लोग हैं, स्वाभाविक रूप में ठाकुर का प्रेम। बोले भाई बाबा चलो हमारे गांव में भी कथा करोगे, हमारे उधर बड़े अच्छे भक्त लोग हैं, बड़े प्यारे भक्त, बड़े सरल भक्त हैं, चलो वहां पर भी कथा कर, सबको भी ये ज्ञान दो, सब लोग भगवान की भक्ति करे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि सब लोग भगवान की भक्ति करे और सब लोग सुख में और शांति में सब लोग रहे। बोलो राम नगर के भक्त वृंद की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र। अभी हमारे प्रभु जी हैं, आपको सुंदर सुंदर कथा ऐसे कथा सुनाएंगे जैसे आप लोग को सब संस्कार है, बड़े बूढ़े व्यक्ति है, हृदय में स्वाभाविक रूप में आपके हृदय में ठाकुर का प्रति प्रेम है, लेकिन जो नया नई जो पीढ़ी है ये लोग धीरे धीरे भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, ये लोग धीरे धीरे भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको थोड़ी कथा सुनाए और ये नए पीढ़ी बच्चों को कैसे धीरे धीरे इनको भी भगवान की भक्ति में लगाए। जिस घर में सबके बच्चे पिता माता भजन करते वो घर नहीं, वही वृंदावन धाम, वही भगवान की धाम। हम चाहते हैं आपका घर 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 एक अयोध्या हो जाए, राम जैसे बेटा हो, बहू जैसे सीता हो, लव कुश जैसे नाती पोती हो, बस वही अयोध्या है जहाँ पर युद्ध नहीं होता। और मैंने सुना यहाँ जो रामलीला स्थल, आपको थोड़ी सी कथा भी सुनाएंगे, बच्चों को कैसे भक्ति में लाए इस विषय पर भी हमारे ये प्रभु जी कथा सुनाएंगे। श्री गौर सुंदर बोलते हो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम अगर किसको गले में तुलसी कैंडी पहनना है, इच्छा हो हम गले में तुलसी कैंडी पहनने हो, लेकिन तभी हम गले में तुलसी कैंडी देते हैं जब कोई प्याज लहसुन को पूरा छोड़ देता है, नहीं तो हम वैसे हम उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उनको नीम की माला देते हैं। बल ये माला में लेकर हरिनाम करो धीरे धीरे और धीरे 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 कोशिश करो छोड़ने की, जो छोड़ेगा गले में आप तुलसी की माला ले सकते। सभी पर हाथ लगाकर फिर से जोर से बोलिए, जितना जोर से बोल सकते हैं बोलो हरे कृष्णा
हरे हरे। आपने सुनाया था ना, भगवान स्वयं गिरिराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति आज आप लोग घर से कुछ ना कुछ लेकर के आए ना, मैं नहीं, ये गिरिराज स्वयं कहते हैं, ये गिरिराज नहीं, ये कृष्ण स्वयं ये गिरिराज बने हुए हैं। इनकी सेवा में एक अन्न की दाना, गिरिराज कथा की वही एक अन्न की दाना, और गिरिराज को भोग लगाए। कहते एक जन्म नहीं, किसी जीवन में भी तुम्हारे घर में अन्न और ये वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। घर में माँ लक्ष्मी पूरी रहेगी, कभी दरिद्रता भोगना नहीं पड़ेगा। इतने असंख्य कोटि हनुमान प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्तिमती माताएं हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे प्रणाम। हमने तो बार बार अनुरोध किया था कि भगवान का नाम सभी जोर जोर से उच्चारण करें, लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव के मुंह से भगवान का नाम उच्चारित नहीं होता है। साधारण रूप में ऐसे कोई गाना गाने के अंदर सबकी बड़ी रुचि होती है, लेकिन भगवान का नाम लेने में लज्जा आती है। हरी कथा जैसे ही आरंभ होती है लोग उठ उठ के जाने लग जाते हैं। ऐसी विडंबना, ऐसी संस्कार और ऐसे कलयुग का प्रकोप पटना से निकाल दिया, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। आप लोग अगर वो मूवी देखेंगे तब फिर पता चलेगा उस समय पर क्या स्थिति थी। और हमारे सनातन धर्म का जिस तरह से दिनों दिन दुष्प्रचार हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि एक समय में हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है ऐसी मूवीज या इस तरह से साधु संघ इस तरह की भागवत कथा, ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जन हमारे सनातन धर्म के प्रति एक जागरूकता हो, सनातन धर्म के विषय में सब लोग जाने, हमारे धर्म को समझकर और उसका ठीक ठीक रूप में आचरण करें, पालन करें। यदि भगवान का भजन करना नहीं हुआ तो मानो ये मानव जीवन जो हमें मिला है अत्यंत कष्ट के बाद में, वो हमने व्यर्थ ही गवा। इसकियों का उत्तर देते हैं, इसे ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके अंदर तीन शब्द है, देखो अतः ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अतः का प्रथम अतः का क्या अर्थ है कि हम सब सुख पाने की चेष्टा, सब चाहते हैं सुखी होना और सुख की खोज में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बूढ़े व्यक्ति को देख लो, सभी चेष्टा करते हैं खुश रहने की। एक छोटे बच्चे को खिलौनों के अंदर बड़ा आनंद आता है। कल परसों जब गुरु जी यहाँ पर सबको खिलौने दे रहे थे, वो खिलौने अच्छे नहीं लगेंगे, उसको साइकिल पे घूमने में बड़ा मजा आएगा। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो साइकिल भी अच्छी नहीं लगेगी, तब चाहिए मोटरसाइकिल, बाइक चाहिए, है ना, बहुत अच्छी सी बाइक चाहिए। और थोड़ा बड़े हो जाने पर वो बाइक भी अच्छी नहीं लगेगी, उस समय पर चाहिए एक कार। वही सुख की खोज की, हम सब चाहते हैं सुखी होना है, क्या अभी तक हम सुखी हो पाए? विचार करके देखो, यहाँ पर वृद्ध भी लोग भी हैं, यहाँ पर जवान भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत समझदार हैं। खोजते खोजते कितनी उम्र हो गई है, क्या अब तक आनंद की प्राप्ति हो गई? अगर हो गई होती तो हम उसकी खोज बंद कर देते। इस समय पर क्या हो रहा है, बूढ़ी माँ रास्ते में एक सुई खोज रही थी, सुई खोजते खोजते उसको काफी समय हो गया, बड़ी परेशान हो रही है। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, पूछा, बोले अम्मा तो इतनी देर से क्या खोज रही हो? बेटा मेरी सुई खो गई है, तुम जरा मदद कर दो खोजने में। बोले ठीक है अम्मा, मैं सुई खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा, ये बताओ तुमने गिराई कहाँ थी? बोले कमरे में गिर गई थी। बोले अम्मा तुम बड़ी पागल हो, जब गिर गई थी कमरे के अंदर तो यहाँ बाहर आकर सड़क पे क्यों खोज रही हो? अरे जहाँ गिरी है वह सुख खोजने की चेष्टा कर रहे हैं, आनंद खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भैया जहाँ खोजना चाहिए वहां नहीं खोज के अगर आनंद ढूंढोगे, मिलेगा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो केवल मात्र भगवान के भजन में। ये सनातन संस्कृति को समझ कर, ये मानव शरीर की दुर्लभता को यदि किसी ने समझ कर और भगवान का भजन करना आरंभ कर दिया, तब जाकर तो कुछ चांसेस है सुखी होने का। नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते खोजते खोजते, जिस तरह से हमारे दादा परदादा खोजते खोजते ही मर गए, हमारे भी वैसी अंतिम गति हो जाएगी। और किस किसके पास गारंटी कार्ड, हाथ उठाओ, माता हाथ उठा रही है,
मना कर रहे हैं, चलो ये बात ही ठीक है। कहते हैं गारंटी कार्ड तो भैया किसी के पास नहीं, भगवान कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुर, एक क्षण का भी विश्वास नहीं है दोबारा छोड़ पाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करो, बोले चित्तोड़ना जने इतना पते अनुमृत यावत, जितना शीघ्र हो सके उतना भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। और विशेष करके देखो, अरे हमारे मानव होने में और जानवरों में हमें फर्क ही क्या रहा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से समझने की चेष्टा करना क्यों हमें भगवान का भजन करना चाहिए। खूब ध्यान देकर सुनिए। अरे इतने स्टोरी को सब याद करना, आपका अड़ोसियों पड़ोसियों को सुनाना। कल मैंने चार ही बहू कथा सुनाई थी ना, चार ही बहू कथा सुनाई थी ना। पहला बहू कौन थी, ये सैली, सैली साथ में गई यहीं पर रह गए। दूसरे बहू कौन थी, अरे बोलो दूसरे बहू कौन थी, पैसा थी, जिसको दुनिया को दिखाया करते थे। वो भी सैली छूटते ही दूसरे को ना किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय में वही रानी जाने के लिए तैयार हुई। बोलो वो रानी कौन थी, बोलो रानी कौन थी, भगवान का भजन था, भगवान की भक्ति थी। हैं जीवन में जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखते हैं ये सब बेकार काम है। भजन भजन से क्या होता है, हरिनाम से क्या होता है। बोले भैया लास्ट में यही ही हमारे साथ में जाने वाली। अभी प्रभु जी और एक आपको स्टोरी सुना रहे हैं, क्या जरूरत भजन करने, बड़ी अच्छी स्टोरी, उसको याद कर लेना। जाकर के दूसरों को देखो, यहाँ पर जो हमारी कौन से माता की कथा की, क्या नाम है, सरोज जी खड़ी हो जाता, देखो नीचे माता जी का देखो। हमारे पहले जब पहाड़ माता जी ने कथा करवाई वहाँ पर दो चार भक्तों को परिवर्तन होंगे, विशेष करके हमारी ये सरोजनी माता विशेष करके परिवर्तन हुए। और इसने कोशिश की कथा सुनाने के लिए दूसरों को ला ला करके वृंदावन में उसने हरिनाम दिलाए। जब हरिनाम दिलाई है इन्होंने भक्तों को एकत्रित करके बोले हमारी गाँव में भी ये भागवत की गंगा बहनी चाहिए, ये गंगा भी हमारी रामनगर में बहने चाहिए। इसलिए इन्होंने फिर उन्होंने यहाँ पर कथा कराई, फिर नए नए लोग उसे जुड़े हैं। इसलिए हमारे जो गुरु जी के गुरु जो प्रभुपाद थे, जिसने विश्व में सर्वत्र हमारी सनातन धर्म प्रचार किया, देखो क्या कहते हैं, बोले एक व्यक्ति को अगर किसी तरह से प्रभु की भक्ति में लगा दिया, समझा बुझा कर कितने पुण्य होगा। वो संत कहते हैं कोई करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, कोई करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई करोड़ों करोड़ अन्न छत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में लगा दिया तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी, करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी। इसलिए ये माता जी के हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम यहाँ पर ये कितने लोगों को उन्होंने कोशिश की परिवर्तन करने के लिए, इनके लिए भी उनको बहुत लालसना गर्जना बहुत कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन करने पर भी माता जी छोड़ी नहीं, तभी उन्होंने कोशिश की जैसे भगवान की कथा हो। इसलिए माता जी के लिए आप ताली बजाओ, कम से कम इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर कथा करने के लिए आभार। ठीक बैठ जाओ। देखो हमारे शास्त्रों में जो ये छोटी छोटी स्टोरीज है, इन स्टोरीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इनसे शिक्षा ग्रहण करें। अगर यहाँ पर आकर शास्त्रों में जिस प्रकार संस्कृत भाषा में जटिल श्लोक इत्यादि कह दिए गए हैं, अगर हम भी वैसा ही पांडित्य आकर बखान दें तो आप लोगों को हो सकता है वो समझ में ना आए, क्योंकि आज के समय पर लोगों को संस्कृत ज्ञान तो बिल्कुल रह ही नहीं गया है। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर स्कूल में पढ़ा दी जाती है और बच्चे उसको रट के और पास हो जाते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में जो ये छोटी छोटी कथाएं हैं, इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, बोले इसके अंदर जो मूल शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में अपना के और अपना मानव जीवन सार्थक किया जाए। एक समय पर एक भिखारी रास्ते में भीख मांग रहा था। रास्ते में भीख मांगते मांगते सामने से एक सेठ जी आए। सेठ जी से जब भीख मांगी, सेठ जी उससे कहने लगे कि तुम देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, अपना आराम से कमा के खा सकते हो, भीख क्यों मांग रहे हो रास्ते पे। तब वो भिखारी कहने लगा कि सेठ जी देखिए, मैंने खूब चेष्टा करी कमा खाने की, खूब बिजनेस जो भी मैंने बिजनेस की करने की चेष्टा करता सारे बिजनेस विफल हो जाते,
अंततः बहुत ही घाटा पड़ जाता, लॉस होता, तो मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। सेठ जी उस समय उसने कहने लगे कि देखो तुम अगर परिश्रम सच में करना चाहते हो, तुम सच में अगर काम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? पार्टनरशिप दे सकता हूँ, हम दोनों मिल बांटकर काम करेंगे। बोले 50% तुम्हारा, 50% मेरा, है ना। अभी ये बात सुन के पिताजी तो बड़ा आनंदित हो गया। रस्ते चलते कोई बिजनेस की 50% पार्टनरशिप मिल जाए तो कितने आनंद की बात है, कितनी मौज होगी उसकी। तो फिर सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सेठ जी मेरे मजे ले रहे हो, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, पूछने लगा। बोले नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें 50% नहीं, मैं तुम्हें 90% बिजनेस की ओनरशिप दूंगा। 90% मेरा बिजनेस आज से तुम्हारा, लेकिन बस ये शर्त है महीने के अंत में 10% प्रॉफिट तुम्हें मुझे लाकर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जोर से बोलो, 10% महीने के अंत में मुनाफा मेरा। ठीक है, भिखारी और सेठ जी के बीच में डील फाइनल हो गई। 90% भिखारी का, 10% प्रॉफिट सेठ जी का। अब जैसे ही पहला महीना खत्म हुआ, भिखारी ने तो बिजनेस की ओनरशिप लेकर खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी काम किया, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करके क्या किया, पैसा कमाया। और महीने का जैसे एंड होने वाला था, अंत होने वाला था, सेठ जी यहाँ घर बैठे इंतजार कर रहे थे भैया 10% आएगा। लेकिन महीना खत्म हो गया और भिखारी कुछ भी लेकर नहीं आया, भिखारी कुछ भी लेकर नहीं आया। सेठ जी मन ही मन सोच रहे हैं कि हो सकता है अगले महीने ले आएगा, काम में व्यस्त होगा, नया नया बिजनेस मिला है, दूसरे महीने 20% आएगा। अभी दूसरा महीना निकल गया, दूसरे महीने में कितना आएगा? 20%। सेठ जी इंतजार में है, लेकिन दूसरा महीना बीत गया, दूसरे महीने भी कुछ नहीं लेकर आया। 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने बीत गए, भिखारी का कोई पता ना ठिकाना, कुछ भी लेकर आने को राजी नहीं। सेठ जी मन सोच रहे कि क्या पता राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, भैया मर मुरा गया क्या, जाकर मैं एक बार देखूं तो सही। तो सेठ जी ने क्या किया, उस व्यक्ति उस भिखारी की खोज करते करते जब पहुंचे हैं, देखा उस भिखारी के तो इतने ठाट पाट, क्या आलीशान बंगला बना दिया, घर के बाहर मर्सिडीज फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं घर के अंदर, और वो तो सामने से सूटर टूटक होकर और जैसे सीढ़ी उतर के आ रहा था, सामने खड़े हैं सेठ जी, देखकर पहचान भी नहीं पाया। सेठ जी उससे कहने लगे कि मुझे पहचानते हो? भिखारी कहने लगा जी आप कौन, आप कौन? सेठ जी कह रहे हैं कि मैं वही हूँ जिसके कारण तुम्हारी इतने ठाट पाट हो गए, मैंने तुम्हें बिजनेस की ओनरशिप दी और उसके कारण ही तुम आज इतने रईस हो गए हो। बोले अच्छा आप वही है? हाँ बोले हम वही है। बोले हमारी क्या डील हुई थी, हमारी क्या डील हुई थी? बोले मुझे तो याद नहीं। बोले हमारी डील हुई थी ना कि बिजनेस की 90% ओनरशिप तुम्हारी है, लेकिन महीने के अंत में 10% प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा। बोले हाँ ऐसी कुछ बात तो हुई थी। सेठ जी कहने लगे कि देखो महीने के अंत में तुम्हें प्रॉफिट लाने की बात थी, 1 महीना छोड़ो, 2 महीना छोड़ो, 6-6 महीने बीतने को आए, तुम तो कुछ भी पैसा लेकर नहीं आए मेरे पास में, कुछ भी प्रॉफिट लेकर नहीं आए, ऐसा क्यों? तब देखो भिखारी कितनी आश्चर्य बात कहता है। भिखारी कहने लगा कि देखो सेठ जी, पूरे महीने गधे की तरह परिश्रम करूं मैं, दिन रात जाग के बिजनेस को संभालूं मैं, और महीने के अंत में घर बैठे बैठे आपको 10% दे दूं किस बात का? घर बैठे बैठे आपको मैं 10% दे दूं किस बात का? आप विचार करके देखो, यदि आपके साथ ऐसा कोई करे तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे बताओ? आपके बिजनेस की ओनरशिप लेकर यदि कोई आपके साथ 6 महीने तक कुछ ना दे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? नालायक और अगर सच में किसी के साथ में ऐसा आप बीती होगी ना, मार मार के उस व्यक्ति को निकाल देंगे वहां से, इतनी गाली देंगे, सच में ऐसा ही है। लेकिन अगर विचार करोगे वो नालायक, वो बेईमान, वो नमक हराम, हम ही लोग हैं, हमसे अलग और कोई नहीं वो बेईमान, क्योंकि हमें जो कुछ भी आज के समय पर मिला है वो किसने दिया? विचार करके देखो, जब मातृ गर्भ से जन्म लिया था, माँ के गर्भ से जन्म लेने पर क्या लेकर आए थे साथ में? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा,
जब आए थे तब अपना कर्म फल हाथों में बांध कर लेकर आए थे और जब मृत्यु होगी सब यहीं पर छोड़कर चले जाओगे। क्या कुछ साथ में लेकर आए थे? ये धन दौलत पैसा गाड़ी जगह साथ में कुछ भी आया था हमारे साथ? कुछ भी साथ में नहीं था। इसीलिए हमारे सूरदास एक बड़ा सुंदर पद रचना करी है उन्होंने, कहते हैं जिनी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल घर खामी। पद को एक बार विचार करके देखो, कहते हैं जिनी तनु देही जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया, जिसने दया करके ये मानव शरीर मुझे दिया। अरे भगवान यदि चाहते तो हमें इस गली का ही कुत्ता बना देते, दो हिलाते हिलाते सड़क पर दौड़ता फिरता खाने के लिए। हमें भगवान ने दिव्य मानव शरीर प्रदान कर दिया और इसमें भी विदेश में नहीं, अभी सुन रहे थे ना, ये भारत भूमि पे, ये देव भूमि पे ये हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, रामनगर में, रामनगर में विशेष करके। हाँ, और अंधा रूढ़ा लंगड़ा नहीं बनाया। देखा ना रास्ते में कितने सारे भिखारी अंधे हो गए, लंगड़े होकर भीख मांगते हैं, हमें बड़ी शुष्क काया भी है, पूरा हृष्ट पुष्ट काया प्रदान करी और इतना सुंदर परिवेश भी प्रदान किया। हिंदू संस्कृति के अंदर ही सनातन संस्कृति के अंदर जन्म प्रदान किया, क्या ये भगवान की सबसे बड़ी देन नहीं है? भगवान ने हमें इतना कुछ प्रदान किया है, लेकिन तब पर भी हमने क्या किया? बोले उन्हीं को ही भूल गए। जीवी तनु देही ताही बिसराई, जिस तरह से वो सेठ जी और भिखारी के अंदर डील हुई थी 90% और 10% की, ऐसे ही हम भी भगवान के साथ में डील करके आए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जब एक जीव मातृ गर्भ में रहता है 7 महीने पर उसकी चेतनता जागृत होती है, उस समय पर बड़े कष्ट के अंदर वो भगवान को पुकारता है। माँ के पेट के अंदर है क्या? विचार करके देखो, एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, सर नीचे की तरफ पैर ऊपर की तरफ, बड़ी छोटी सी जगह है। माँ के पेट के अंदर इतनी गर्मी रहती है, आज के समय में यदि गुहाचरी भोजन खाओ कल विष्ठा बन के बाहर निकलता है, खून पीक विष्ठा मल मूत्र यही सब तो है मातृ गर्भ में। छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को काटते हैं, नोचते हैं। जब माताएं गर्भवती होती है उस समय पर उनका खट्टा खाने का मन करता है, वो जब किसी नमक कुछ तीखी चीज खाती है, बच्चे की बड़ी कोमल त्वचा पर जाकर वो नमक मिर्ची लगती है, इतना कष्ट वो भोग करता है और उस कष्ट के समय पर भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु आप मुझे इस दयनीय स्थिति से बाहर करो, आप मुझे इस कष्ट से दूर कर दो। भगवान प्रश्न करते हैं कि यहाँ से निकल के क्या करोगे? तब जीव कहता है कि हे प्रभु आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं समझ गया हूँ कि ये मानव जीवन केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए है। अरे जिनके कारण जिन पति पुत्र स्त्री के लिए मैंने पाप कर्म किए थे, उन पाप कर्मों का फल तो मैं यहाँ अकेला ही भोग कर रहा हूँ, कोई भी तो मेरे साथ में नहीं, इस कष्ट को मैं अकेला भोग कर रहा हूँ, इसलिए आप दया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन ही करूंगा। बोले भूल जाओगे नहीं तो? बोले नहीं नहीं मैं नहीं भूलूंगा, आप मुझे बाहर निकालो, ये वादा रहा। हम भगवान के साथ में कोई मातृगत में वादा करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर सब भूल गए। विचार करके देखो, सुबह से लेकर शाम तक भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में से कितना समय हम भगवान के लिए देते हैं और कितना समय अपने लिए निकाल रहे हैं, कितना समय घर संसार पुत्र पुत्र और टीवी मोबाइल इन सब में व्यतीत कर दे रहे हैं और कितना समय भगवान के लिए है। इसीलिए 10% देने का मतलब क्या है? भगवान हमारे से 10% पैसा नहीं चाहते, 10% हमारे इनकम नहीं चाहिए उनको, 10% हमारा समय चाहिए। 24 घंटे का 10% अगर निकालोगे कुछ 2-2.5 घंटा होता है, वो 2 घंटा भगवान के लिए निकालना कंपलसरी है भैया। भगवान का भजन यदि नहीं किया तो सूरदास कहते हैं हम भी नमक हरामी है। इसलिए क्या करो, जिसने सब चीज प्रदान करी उसके साथ में वफादारी करो, नमक हरामी मत करो, भगवान के लिए 10% समय निकालो। अरे अगर 10% नहीं निकाल सकते 5% से आरंभ करो, 5% नहीं निकाल सकते कम से कम 2% से तो आरंभ तो करो। कौन 2% देगा? हाथ उठाओ, कौन 2% दे सकता है? हाथ उठा दो, हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा चक्कर है, यहाँ के लोग तो बड़े भक्त हैं। हाँ देखो 2% देना मतलब है उसमें जैसे 10% होता है 2.5 घंटा है, 5% होता है कितना? 1 घंटा 25, 1 घंटा 15 मिनट होता है। अगर
तो अगर हम उसमें 2% 3% देंगे ना, कितना समय होता है, कितना समय होगा, कम से कम आधा घंटा तो करो। हाँ, इसलिए सवेरे नहा धो करके, हाँ सवेरे क्या करना, नहा धो करके जितने हम अपना कर्तव्य मानते हैं, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, सब कर्तव्य को पीछे खड़ा रख लो, रख करके माला लो। भगवान कलयुग ने सबसे सरल उपाय दिए, बोले जानते हैं कलयुग में ज्यादा ये परिश्रम कर नहीं सकता है, सत्ययुग में घोर तपस्या करते थे, कलयुग में बिना खाए भी रह नहीं सकते, इसलिए सवेरे उठ करके माला लेकर क्या करना, कल कुछ माला लिए ना, जो आज लेना चाहते पता करवा दो, माला ले लेना, ठीक है। ये माला लेकर के जैसे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही हरिनाम कर, यही हरिनाम कलयुग में ठाकुर जी से नाम रूप में आए। पहले 2% से शुरू कर, मतलब कम से कम पहले 2 माला करो, फिर 3 माला करो, फिर 4 माला करो, क्योंकि अंतिम समय में यही पर जाएगा ना, और तो कुछ जाएगा नहीं। विदा करती है पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल पति मरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का भजन करेंगे वही जाएगा, और जगह में सभी भगाए, जगह में सभी भगाए। देखो ध्यान देकर सुनो अच्छा तरह से, कोई कोई व्यक्ति प्रभु की भजन के लिए समय ग्रहण नहीं चाहते, देखो हमारे गुरु जी कहते थे, अच्छा तरह से सुनो, संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं, देखना दूसरों के पति को कैसे खुश रखे, पत्नी को कैसे खुश रखे, अपना सास को कैसे खुश रखे, बहू को कैसे खुश रखे, बेटे को कैसे खुश रखे, इसलिए ज्यादा करते कि नहीं, इसलिए ज्यादा देखना। घर में कभी कभी ये स्थिति आती है, सब लोग को खिलाने के बाद कुछ भी सब्जी नहीं बच जाती, नमक से 2 रोटी खा लेते हैं, खाते ही नहीं थे, खाते ही नहीं। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, अभी संसार में तुम्हारे ऊपर में कोई खुश है, बोलो संसार के लिए तो जिंदगी एक बार करता, अभी तुम्हारे ऊपर कोई खुश है, देखना पीछे हमारे पीछे चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं होती, सास बहु की चुगली करती होगी, बहु सास की चुगली करती होगी, वो अमुक को चुगली करता है, वो दूसरे की चुगली, यही तो होती है ना संसार में। भैया संसार में तुम किसको खुश नहीं कर सकते, संसार में किसी को भी संसार में तुम खुश नहीं कर सकते। देखो हमारी कठिनाइयां कैसे, जब भगवान के अमुल कट गया ना, इतने में द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दी, अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं, बोले द्रौपदी अपना साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, इसकी रीढ़ी कम मैं चुका हूँ, इसके रीढ़ी कम मैं चुका हूँ। अगर महाभारत देखे होंगे, जब महाभारत युद्ध में द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, आप बताओ द्रौपदी के कितने कितने पति थे, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, सहदेव नकुल, कोई काम में आए बता, कोई काम में आए, लेकिन काम आए तो कौन आए, अरे बोलो काम में कौन आए, भैया वही कन्हैया काम में आएगा, कोई तुम्हारी काम में आने वाले नहीं, कोई भी काम में आने वाले नहीं, इसलिए क्या करो उसके लिए समय निकालो, ठीक है ना, सवेरे बैठ करके थोड़े समय हरिनाम करो, भगवान के भजन करो। कल भी बता रहा था ना, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मतलब क्या है, हमारे दुखों कष्ट को जो हर ले, कृष्ण मतलब क्या, मन को शांति नहीं, सुख नहीं, कृष्ण नाम करने से मन को शांति मिलती है, राम मतलब क्या, जीवन में जो आराम, प्रभु का नाम से यही तीन चीज मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, संसार में आराम मिलेगा, ठीक है ना। जिसकी इच्छा होगा पता को बाद में एक माला लेकर के जाना। हाँ, अगर कोई बोले हम तुलसी कट्टी पहनना चाहते हैं, जो प्याज लहसुन छोड़ोगे फिर तो हम कट्टी भी देंगे गले में धारण करने के लिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन निहारी लाल की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे, आज गिरिराज पूजा है, और जो कल है, कल कथा की विश्राम का दिन है, कल कथा की विश्राम का दिन है,
कल कथा में कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी और कल होली भी खेलेंगे लास्ट में और कल सुदामा का चरित्र है, कल भगवान की रासलीला भी होगी, इसलिए कल कथा का विश्राम कल है और जो परसों है वो सभी यज्ञ होगा। हाँ परसों यज्ञ भंडारा कब है? परसों है ना। हाँ परसों यज्ञ और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है इसलिए सबके सब आना। और कल सुदामा का जैसे चरित्र है कथा होगी, जैसे सुदामा ने कृष्ण के लिए दो मुंडी चिड़िया लेकर गए थे, ठाकुर त्रिभुवन ने राज्य दे दिए, इसलिए आप घर से थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आना, यहाँ से मैं आपको थोड़ी थोड़ी चावल दूंगा, उसको लेकर के घर में किसी पीले नहीं तो लाल कपड़ा में बांध करके कोई सिक्के रख करके कहते मंदिर में रखने पर घर में घर से लक्ष्मी कभी जाती नहीं, घर में लक्ष्मी घर में टिकी रहती है। हाँ इसलिए कल थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आना घर से। और जैसे भगवान रुक्मिणी कृष्ण की विवाह है, अगर कोई अच्छी कोई साड़ी अगर ला सकते हो लाओगे तो फिर हम वृंदावन में राधा रानी को वो साड़ी पहनाएंगे, जो लाना चाहते हो ला सकते हो। ठीक है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी श्री गिरिराज की कथा सुना, कहते हो गिरिराज गोवर्धन है, ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं है। हम लोग गए गिरिराज, कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ तो, कौन कौन गिरिराज गए? बहुत कम लोग गिरिराज गए हैं। एक बार हम चाहते हैं अब सबको एक बार गिरिराज ले जाए, कौन कौन जाना चाहते हो हाथ उठाओ, कौन कौन जाना चाहते हो गिरिराज? अरे यहाँ के सब अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं, बहुत अच्छी बात, आप एक बार ले जाएंगे और गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी ढूंढते हैं और ठाकुर जो कुछ इच्छा करते हैं गिरिराज से, गिरिराज समस्त इच्छा को श्री गिरिराज पूरी कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज गए होंगे देखे होंगे गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ, बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख देना ठाकुर जी उतने मंजिली मकान ठाकुर जी उसको दे देते हैं। जिनकी बेटियों की शादी नहीं होता है, बेटा का नौकरी नहीं, कोई भी कामना वासना को लेकर गिरिराज की पूजा कर दो, गिरिराज जी समस्त इच्छा को श्री गिरिराज पूरी कर देते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बोले भैया गिरिराज है कौन? अरे गिरिराज आए तो आए कहाँ से? मतलब ये स्कंद पुराण की कथा है, गर्ग संहिता की कथा है। एक समय गोलोक वृंदावन में श्री बांके बिहारी राधा रानी से बोले बोले हे राधे मैं ये मर्त्य जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहां पर गिरिराज नहीं, जहां पर यमुना पटराणी नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना नहीं, कहते मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे ये जो गोलोक वृंदावन देख रहे हो, मैं जब ये मर्त्य जगत में उतरूंगा ये पूरा के पूरा ये धाम को उतार कर दे जाऊंगा, पूरा के पूरा धाम ले जाऊंगा, ये सब के सब मेरे साथ में, मेरे पिता माता तेरे साथ में, तेरे पिता माता सबके सब चलेगी। तब राधा रानी बोली ठीक है फिर मैं भी चलूंगी। इसका मतलब है आप लोग वृंदावन में जो गोवर्धन देखोगे, यमुना पटराणी देखोगे, नंदगांव बरसाना निधुवन निकुंज वन देखोगे, ये जगत का कोई वस्तु नहीं है, ये भगवान के धाम से ही ये जगत में ये उतरे हैं। दूसरी पुराण में आती है कहते भगवान का जो नेत्र है ना, कृष्ण का जो नेत्र से ही ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट हुए। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण आए उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को भी लेकर के आए, बोले किसकी संतान बन करके आए? बोले द्रोणा और भरा इनकी अपना माँ बना करके इसी जगत में गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट हुए। जब गिरिराज प्रकट हुए स्वर्ग के देवता लोग सबके सब फूल की बौछार की और श्री गिरिराज के ऊपर में फूल की बौछार करके
बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। कहती जो गिरिराज गोवर्धन है, आप बोलोगे ये वृंदावन में कैसे आए थे, इसका दो कथा आती है। पहला कथा आती है जिस समय भगवान राम अभी लंका जाना चाहते हैं, क्यों माता सीता को उद्धार करेंगे, इतने में समुद्र को उन्होंने बोले समुद्र हमें रास्ता दो। लेकिन ये समुद्र चार दिन तक प्रभु राम बैठे तभी समुद्र कुछ बोला नहीं, जब भगवान क्रोधित होकर के अपना उग्र मूर्ति को धारण किया बोले संपूर्ण समुद्र को मैं सुधा दूंगा, फिर चल करके हमारा सैनिक चलेंगे, फिर स्वयं समुद्र प्रकट हो जाते हैं। बोले प्रभु एक काम करो, बोले किया, बोले आपको साथ में दो बंदर है, एक नाल और एक नील, ये इनको ऋषियों का वरदान है, वो जो कोई चीज को स्पर्श करके पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं तैरेगा, इसलिए ये नाल नील को मदद लेकर के पहाड़ को लाओ और पानी में छोड़ते जाओ। और हनुमान क्या करे, सबको ऊपर में राम का नाम को लिख करके छोड़ते रहे। अभी तो छोड़ेंगे लेकिन सीमेंट होनी चाहिए ना, नहीं तो खुल जाएगी। बोले एक पत्थरों को पर रा और दूसरों को पर मां, रा और मां लिखोगे तो सीमेंट का काम करेगा। और यही सही पुल बन रहा था, भगवान राम ने आदेश दिया बड़े से बड़े पत्थर लाओ और जल्दी जल्दी पुल बन जाए और माता सीता को उद्धार करे। हनुमान जी देख रहे थे जल्दी जल्दी पुल बन जाए, कहीं बड़े से बड़े पत्थर मिले। इतने में हनुमान जी जब उन्होंने विंध्याचल पर्वत उधर पहुंचे, देखा ये जो गिरिराज गोवर्धन, इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन, अगर इसको ले जाएंगे तो जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी। हनुमान जी एक हाथ से बोले जय श्री राम, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी एक हाथ में पूरा गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए, उठा करके हनुमान जी आ रहे थे, आते आते जहां पर श्री वृंदावन, जहां पर गिरिराज, जब वहीं पर आए, इतने में जो पुल बंध रहे थे पुल बंधना समाप्त हो गया। भगवान राम आदेश दिया और पत्थर की जरूरत नहीं, पुल बन चुका है, बोल दो जो जहां से पत्थर ला रहे वही रख लिया। इतने में हनुमान जी गिरिराज वही रख दिए, हनुमान जी को रख दिए। इतने में ये जो गिरिराज गोवर्धन तो साधारण है नहीं, ये तो बोलो को वृंदावन से ठाकुर की सेवा के लिए आए। इतने में गिरिराज जी प्रार्थना किया, हनुमान जी आप तो मेरे को इतने दूर तक लाए हो, अगर थोड़ी दूर तक ले जाते तो कम से कम माता सीता की सेवा तो लगता, भगवान स्वयं मेरे ऊपर चल करके चलते, माता सीता उधार होती, मैया सीता की सेवा में तो कम से कम लग सकता था, मेरे को यहाँ पर क्यों रख दिए। हनुमान जी बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, जब श्याम बन करके आएंगे उसी समय में भगवान तुमको कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में 7 दिन तक धारण करेंगे और जितने ब्रजवासी सब के सब तुम्हारे नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे और कृष्ण तुम्हारे ऊपर में गोचार न करेंगे, भगवान इससे भी ज्यादा सेवा प्रदान करेंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए ये एक कथा आती है कैसे गिरिराज आए। दूसरी कथा आती है एक पुलस्त ऋषि थे, एक दिन ये रहते थे काशी में, एक दिन भ्रमण करते करते पहुंच गए कहां पर, द्रोणाचल के पास में, और उनकी गिरिराज गोवर्धन वहीं पर पर्वत रूप में थे, बड़े सुंदर झरना, बड़े सुंदर सरोवर, बड़े सुंदर पेड़ पौधा फल फूल से भरा हुआ, इसको देख करके तो खुश हो गए, बोले अगर किसी तरह से इसको हम कहां ले जाए, काशी ले जाए, कम से कम साधु संत बैठ करके भजन करेंगे। तो उन्होंने द्रोणाचल को बोले तुम्हारी बेटे को दे दो, मैं ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा काशी, अगर आपके घर में कोई आए बोले तुम्हारी बेटे को ही दे दो, आप बेटे को दे दोगे, वो तो बड़े चिंता में पड़ेंगे, बोले अगर नहीं दूंगा तो ऋषि बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने बहाना बनाए, बोले आप गिरिराज को ही पूछ लो, गिरिराज देखा अगर मना करूंगा तो ऋषि बिगड़ जाएंगे, बोले देखो दो शर्त पर जाऊंगा, बोले बताओ क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ में उठा कर ले जाना पड़ेगा, दूसरी शर्त है
अगर कहीं अपवित्र होकर के बीच में मेरे को उतार दिया तो घर नहीं जाऊंगा। बोले कोई चिंता नहीं, उल्लस तरीसी तो बड़े प्रतापी। उन्होंने एक हाथ में गिरिराज उठा ली, उठा करके अभी जहां पर गिरिराज जब वहीं पर आए, वो तो गिरिराज गोलोक वृंदावन से आए ठाकुर को सेवा के लिए। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी मैं तो चाहता हूँ यहीं पर रह करके आपकी चरण की सेवा करो, मेरे को कहाँ काशी फांसी देने ले जा रहा है, क्योंकि आप ब्रह्मवादी भगवान के निराकार मानने वाले, ये ब्रजभूमि तो रसभूमि है, मैं तो चाहता हूँ रसभूमि में रह रहना चाहता हूँ। भगवान माया ऐसे फेरे, पुलस्त ऋषि को इतने जोर से लघु संख्या लगी और भूल गए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा सब भूल गए और गिरिराज गोवर्धन को वहीं पर रख दिए और लघु संख्या में जब बैठे ना, घंटे तक लघु संख्या में बैठे, उनको लघु संख्या ही खत्म नहीं हो, पैसा भी बंद नहीं हो रहा। बड़े बाग में जब लघु संख्या खत्म हुई, हाथ पैर धो करके जब गिरिराज को उठाने के लिए चाहे, गिरिराज बोले मैं और नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, बीच में उतारना नहीं, कहीं अपवित्र हो जाओगे तो मेरे को स्पर्श नहीं करेंगे, एक घंटा तक बैठे करके लघु संख्या के मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले मैं अभिशाप देता हूं, ये पल पल में तुम तील जैसे खीण होते जाओगे, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, मैं तेरे को अभिशाप देता हूं। इसलिए अगर आप ब्रज में जाओगे ना, देखो गिरिराज धीरे धीरे नीचे जाते रहा है और धीरे 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 गिरिराज टुकड़े हो गए हैं, और जब घोर कलयुग आएगा ना, ये गिरिराज भी नहीं रहेंगे, यमुना भी नहीं रहेगी, गंगा सबके सब सूख जाएंगे घोर जब कलयुग आएगा। इसलिए क्या करो, ये घोर कलयुग आने से पहले हरि का नाम लो और जल्दी जल्दी संसार से पार होकर के चले जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज बाबा की। हाँ देखो गिरिराज जी कथा सुनो। एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई लेडीगी चमचम बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, राबड़ी भी बना रही थी। इतने में कृष्ण ने जाकर के बोले मैया मैया ये रात भर क्यों इतने बढ़िया बढ़िया भोजन कर बना रहे हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं लाला। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर किसके लिए बना रहे हो? बोले जा पिताजी को पास में पूछो। तब उन्होंने पिताजी की गोद में बैठ करके बोले भैया क्यों मैया रात भर से बना रही है? बोले लाला हम इंद्र की पूजा करेंगे। बोले पिताजी ये इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग के राजा है, अरे हम सबके सब ग्वाला है, हमारे जो मूल धन है ये गैया, और इंद्र के अधीन में ये मेघ, मेघ होने पर गैया, फिर जो घास उगता है घास खाते हैं, दूध देते हैं दूध से ही मक्खन मिठाई जो कुछ होता है हमारी यही मूल भोजन है। इतने में कृष्ण ने कहा पिताजी ये इंद्र के अधीन में कुछ नहीं, पिताजी ये इंद्र तो एक अधिकार की देवता है, हमारी जो ब्रज का देवता है ये गिरिराज गोवर्धन, ये ब्रज की देवता, ये मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में, बारिश होती है, गैया को घास कहां से मिलता गिरिराज से और पानी कहां से मिलता? बोले गिरिराज से। बोले गिरिराज से ही हमें सब कुछ गिरिराज से मिलता है पिताजी, इसलिए आप गिरिराज की पूजा करो, इनकी कृपा से हम सब कुछ मिलेगा। बोले पिताजी बताओ इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले अभी तक दर्शन किया? बोले नहीं लाला। बोले जब हमारी गिरिराज की आप पूजा करोगे, ये गिरिराज साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे, जो कुछ गिरिराज से प्रार्थना करोगे गिरिराज सब कुछ पूरी करेगी। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। नंदोबा राजी हो गए, ब्रज में ढिंडुरा पिटवा दिया, कल हम इंद्र पूजा नहीं श्री गिरिराज की पूजा करेंगे और गिरिराज साक्षात प्रकट होकर के दर्शन हमें प्रदान करेंगे। जितने ब्रजवासी बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और सबके सब लेकर के श्री गिरिराज की तलहटी में आए और कृष्ण स्वयं अपना हाथों से पंचा उन्होंने स्नान करा के गिरिराज गोवर्धन को जितने भोजन लाए थे सब में तुलसी पत्र रख दिया। भोग लगा दो भाई, उधर जाकर भोग लगा दिया गिरिराज। बोले गिरिराज में सब तुलसी पत्ता देकर गिरिराज को उन्होंने भोग लगाए,
जब उन्होंने गिरिराज का आह्वान किया सचमुच से, वहां पर गिरिराज स्वयं गिरिराज के प्रकट हो गए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। भैया जी जो सामने लाए ना, कौन यहाँ पर वही है बच्चों, इसको यहाँ ले आ, वहां भोग लगा करके फिर पीछे ले जाए। गिरिराज को भोग लगनी चाहिए यहाँ पर, उसमें सब तुलसी पत्ता पढ़ा दे दो और बोले मंत्र पढ़ दे। श्रीकांत जाकर मंत्र पढ़ दो, गोपाल मंत्र पढ़ दो। बोले गिरिराज महाराज की जय। सबके सब गिरिराज की प्रसाद लेकर जाना। जो गिरिराज की प्रसाद लेगा ना, कभी जिंदगी में कभी लक्ष्मी के घर में कभी नहीं रहती उस घर में, हर समय लक्ष्मी भरपूर उसके घर में रही। बड़ी आशीर्वाद गिरिराज की देखो। इतने में भगवान स्वयं उन्होंने गिरिराज के आह्वान किया, तुलसी पता दे कर जब आह्वान किया, वहां पर साक्षात रूप में श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोले गिरिराज बाबा की। गिरिराज बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज हूँ। आज का दिन ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का जो दाना भोग लगा दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी। गिरिराज स्वयं बताए। और जो व्यक्ति गिरिराज पूजा की अनादर करेगा, जन्मा जन्मांतर में कंगाल बना रहे, ये गिरिराज स्वयं ये बात बताए। और जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करेगी, भगवान स्वयं उनकी झोली भर देंगे, गिरिराज उसकी झोली भर देंगे गिरिराज की। इतने में कृष्ण ने हाथ बड़ा बड़ा करके गिरिराज सब कुछ ग्रहण कर रहे थे और मिनट में सब कुछ उन्होंने खा लिया। बोले आनोरे आनोरे और लाओ और लाओ और लाओ। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में एक स्थान है जिसका नाम आनोर ग्राम है, परिक्रमा में वो आनोर ग्राम आती है। इतने में कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों चलो चकाचक भोजन करो, भोजन करके हम सबके सब श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। इसलिए अभी जितने ब्रजवासी थे सबके सब खाते पीते हुए अभी गिरिराज की सबके सब परिक्रमा लगाए। कृष्ण स्वयं राधा रानी स्वयं जितने राधा रानी की गोपियां थी, गोपियां कृष्ण के ग्वाल बाल सबके सब गिरिराज की परिक्रमा लगाए। अभी हमारे डोरीलाल प्रभु जी आप भी एक भजन गाना, सब मिलकर के गोबर में गिरिराज को लेकर बीच में रख लेना, आप लोग गिरिराज की परिक्रमा करना, क्योंकि गिरिराज की जो परिक्रमा करते हैं ना, जो मारो गिरिराज की वही दे देते। सांसारिक वस्तु तो आप आसान से देते हैं, यहाँ तक भगवान की भक्ति और प्रेम दे करके आपको चरणों में स्थान देते। इसलिए खुर चल है खीर सा मैं जो नाचेगा ठाकुर को पास हो गया की मौन पाल में बाबा की बकरी मसूर श्याम नंद बाबा यशोदा सहसा। अच्छा
गंगा जी कौन कौन चलेगा हमारे साथ? दोनों हाथ उठा के पानी सेवा करें और बड़े भाव से अपने स्तर पर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए पूजो I'm not
पूजा करने के अवसर संत के पास।